हाय एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 6A। 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस यहां पर आती हैं और आप जानते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो टोटल इनकम का होता है, तो वहां पर हमारे पास कुछ प्रोविजंस डिडक्शन से रिलेटेड होते हैं जो हमें डिडक्शंस अलाउ करानी होती है फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर शुरू करने से पहले, मेनली जो चैप्टर है ना, अगर हमारा एसएससी इंडिविजुअल HUF AOP BOI या आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन होता है, मेनली सी इंटरमीडिएट में इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ये चैप्टर तभी फॉलो करते हैं अगर एसएससी ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, यानी कि वो 115BAC से ऑप्ट आउट कर रहा है। ऑप्ट आउट कर रहा है, वो न्यू टैक्स रिजीम नहीं लेना चाहता, वो पुरानी टैक्स रिजीम में ही आना चाहता है, तब ये हमारे लिए चैप्टर रेलेवेंट होता है। तो हम 80C से लेकर 80U तक की इसको डिडक्शंस दे सकते हैं। अगर ऐसे इंडिविजुअल HUF वगैरह न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यानी कि 115BAC फॉलो कर रहे हैं, तो जनरली ये चैप्टर उनके लिए नहीं है, उनको डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, एक्सेप्ट तीन डिडक्शंस होंगी जो हम आगे बातें करेंगे। एक तो होगी 80CCD2 की, CCD1 CCD2 दोनों होते हैं उसमें, बट न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए 80CCD2 यहां पर लिखा भी है। देखिए 80CCD2 जो हम पेंशन स्कीम के बारे में देखेंगे, 80CCH2 80CCH एक नया सेक्शन आया है, आपको पता होगा अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए, तो 80 उसमें भी CCH1 और CCH2 दोनों होते हैं, दोनों करेंगे, बट न्यू टैक्स रिजीम के लिए सिर्फ CCH2 ही मिल पाएगा। और 80JJAA तो पुराना ही सेक्शन है, आपको पता है न्यू वर्कमैन से रिलेटेड 30% ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट हमें डिडक्शन मिलती है, वो हम देखेंगे 80JJAA। बस ये तीन ही सेक्शन ऐसे हैं जो हमारे न्यू स्कीम में भी एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज न्यू स्कीम अगर एसएससी फॉलो कर रहा है इंडिविजुअल HUF वगैरह, तो उनके लिए कोई और डिडक्शन जैसे 80C 80CCC 80D वगैरह की जो डिडक्शंस होती है, 80E वगैरह की डिडक्शंस कुछ मत दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ये तीन डिडक्शंस आएंगी, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करें चैप्टर को। देखिए मैंने इस चैप्टर को ना तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 80C से लेकर लास्ट तक, 80C से लेकर 80U तक जाता है, बट उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके देख लेते हैं। 80C से लेकर 80G तक जो डिडक्शंस होती हैं, वो डिडक्शंस ऐसी होती हैं जब हम कहीं पर पेमेंट करेंगे या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें डिडक्शंस मिल सकती है, तो हम इसको बोलते हैं पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस या इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शंस। हमें कहीं ना कहीं पेमेंट या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर मैं इसको समरी के फॉर्म में बोलता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा कैश आउटफ्लो होता है यहां पर, अगर हमें डिडक्शन चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ेंगे या इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो ये 80C से लेकर 80G तक की डिडक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एसएससी को डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो एक्सपेंसेस कर रहा हो, पेमेंट कर रहा हो या इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कैश आउटफ्लो, राइट। 80IA से लेकर 80RRP, वैसे आप लोग जानते हैं कि मेजरली इस वाले पार्ट में मैक्सिमम डिडक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, वो हम CA फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद, हम जल्दी से जब CA फाइनल में आ जाएंगे तब हम पढ़ेंगे वो सारे डिडक्शन 80IA वगैरह की सीरीज की। बट हाँ, इसमें से तीन डिडक्शन हैं जो हमारे सिलेबस में है, जैसे कि 80JJAA 80QQB और 80RRB, वो रॉयल्टी वाली बातें आपको याद आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी, तो वैसी डिडक्शन होती है। वैसे इसको हम 80IA से लेकर 80RRB वाली हेडिंग में बोलते हैं, ये वैसी डिडक्शन होती है, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन होती है। देखो 80C से लेकर 80G में आपका कैश आउटफ्लो होता है तब आपको ये डिडक्शंस मिलती हैं, बट ये डिडक्शंस ऐसी होती हैं इस वाले पार्ट में, वो डिडक्शंस आती हैं कि अगर आपका उस नेचर का प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उस नेचर का बिजनेस है, उस नेचर की इनकम आ रही है जिस पर्टिकुलर के बारे में सेक्शंस कहते हैं, तभी आपको डिडक्शंस मिलती है। यानी कि यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बस उस नेचर की इनकम अर्न करनी पड़ती, उस तरह के बिजनेस करने पड़ते हैं, तब आपको ये डिडक्शंस मिलती है, राइट। फिर हमारा लास्ट पार्ट आता है अदर डिडक्शंस, जिसमें सेक्शन 80TTA, TTB और 80U आते हैं, और इसमें 80TTA, TTB आप लोग याद आ गया होगा आपको, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट या फिर अदर डिपॉजिट्स अकाउंट का इंटरेस्ट हमें वो मिलता है। 80U अगर एसएससी डिसेबल होता है तब उसको डिडक्शंस मिलती हैं, और ये डिडक्शंस क्या न्यू रिजीम में मिल पाएंगी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि TTA, TTB, 80U तो हमारे वो तीन है नहीं, न्यू रिजीम में सिर्फ तीन डिडक्शंस मिलती हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, CCD2, CCH2 और JJAA, जिसके बारे में अभी हम बातें करेंगे, राइट। दूसरी बात, जब आप चैप्टर 6 की डिडक्शंस देते हैं, तो लेट्स से एसएससी की इनकम सैलरी से भी आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी से भी आ रही है, PGBP से भी आ रही है, लेट्स से कैपिटल गेन से भी आ रही है, IFOS से भी आ रही है, तो अलग अलग हेड से उसकी इनकम आ रही है,
तो फॉर एग्जाम्पल उसकी इनकम 15 लाख की आती है GTI, तो क्या हम पूरा का पूरा 15 लाख की डिडक्शन ले सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि हमें पता है जो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं या 111A होता है उसमें से डिडक्शन हमें नहीं मिलती है। कैजुअल इनकम होती है, अनडिस्क्लोज इनकम होती है, उसमें से हमें डिडक्शन नहीं मिलती है। हमें डिडक्शन सिर्फ हमारी नॉर्मल इनकम से, हमारी रिमेनिंग इनकम होती है, हम वहां से ही डिडक्शन ले सकते हैं। तो चैप्टर 6 से डिडक्शन अलाउड नहीं होती। कहां से अलाउड नहीं होती? 111A की इनकम से। 111A क्या होता है? कैपिटल गेन में याद कीजिए, शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर जब बिकते हैं तो 111A बोलते हैं, उस इनकम से डिडक्शन नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उससे कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। हम इसको सेक्शन 112 के नाम से भी जानते हैं, जिस पर जनरली 20% का टैक्स रेट होता है। ऐसी इनकम से कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। 112A, ये कौन सा होता है 112A? सर हमें याद है, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर से इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स जब स्टॉक एक्सचेंज पर इनकी ट्रांजेक्शन होती है, इस पर STT पे किया जाता है, तो ये 112A कहलाए जाते हैं। इस पर 10% रेट ऑफ टैक्स होता है, और इनफैक्ट 1 लाख को हम एग्जम्प्ट कर देते हैं, बाकी ओवर एंड अबव उसके ऊपर 10% लगाते हैं। ये याद आ गया 112A। इसके ऊपर भी कोई आपको इस ऐसी इनकम से भी कोई चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलती है, और आपकी कैजुअल इनकम और अनडिस्क्लोज्ड इनकम से, अनडिस्क्लोज्ड इनकम जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो आप देखते हैं, ऐसी इनकम से भी या कैजुअल इनकम लॉटरी गेम शो गेमिंग वगैरह की इनकम से भी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलती है, राइट? तो आपकी नॉर्मल इनकम से ही डिडक्शन मिलती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बता देता हूँ एक बार, जिससे आप कोई गलती ना करे। तो फॉर एग्जाम्पल असेसी है कोई, उसकी कुछ लेट से कुछ हेड से इनकम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, जो भी अमाउंट की इनकम आ रही है, उसकी PGBP से भी कुछ इनकम है, लेट्स से उसकी कैपिटल गेन से भी कुछ इनकम है, IFOS से भी मान लेते हैं चलिए कुछ इनकम है, उसकी सैलरी से नहीं है मान लेते हैं, बाकी और हेड से है, चलो सैलरी भी रख लेता हूँ, कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स आप ये ना सोचेंगे मैंने सैलरी क्यों नहीं लिया, सब कुछ रख लेते हैं, किसी भी हेड से, पाँचों हेड से इनकम आ रही है, इनमें से किसी भी हेड से इनकम आ रही है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम इन पाँचों हेड्स को ऐड करते हैं प्लस क्लबिंग और माइनस सेट ऑफ करने के बाद, आई एम सो सॉरी, हमारे पास GTI आ रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो लेट्स से हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है 16 लाख रुपीज की, हमने सब कुछ ऐड किया, हमारे पास 16 लाख आ गया। तो हम लोग जो मैक्सिमम चैप्टर 6 की डिडक्शन दे सकते हैं, ठीक है, मेनली आपको पता है ऑप्शन रिजीम में दे सकते हैं, न्यू स्कीम में तो सिर्फ 3 सेक्शन की ही डिडक्शन मिल सकती हैं। खैर, जो भी चैप्टर 6 की हम डिडक्शन दे सकते हैं वो हम अपने GTI में से दे तो सकते हैं, बट इसमें से हम ये देखते हैं कहीं हमारी कोई स्पेशल इनकम तो नहीं है। तो इसमें से सबसे पहले अलग कर लीजिएगा अपनी स्पेशल इनकम को, जैसे कि इसमें से अपना LTCG या फिर 112A या फिर आपका 111A और फिर आपका कैजुअल इनकम, फिर आपका अनडिस्क्लोज्ड वाली इनकम को अलग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि मेरी जो रिमेनिंग इनकम है वो कितनी है। मान लेते हैं आपकी जो रिमेनिंग इनकम आती है वो 9 लाख रुपीज आती है, इसका मतलब आप चैप्टर 6 से की जो डिडक्शन ले सकते हैं ना वो मैक्सिमम 9 लाख ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन से सेक्शन की डिडक्शन लेंगे, बट मैक्सिमम जो डिडक्शन आपकी जा सकती है वो सिर्फ 9 लाख ही जा सकती है, राइट? वैसे हमारा एक सेक्शन कहता है 80A, एक सेक्शन है, नंबर याद नहीं करना, वो कहता है आप GTI से ज्यादा नहीं ले सकते, बट अगर मैं उसका एक और स्टेप डिटेल में जाता हूं तो फिर आगे ये पता चलता है कि हम अपने स्पेशल इनकम से डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं, हम सिर्फ अपनी नॉर्मल इनकम से ही डिडक्शंस ले सकते हैं, करेक्ट? तो हमेशा अपनी स्पेशल इनकम को अलग कीजिए, फिर बाकी देखिए कि मेरी नॉर्मल इनकम कितनी है, हम डिडक्शन सिर्फ उसी में से ले पाएंगे। ये बातें क्लियर हो गई है ना, ये अच्छे से आपको बातें पता होनी चाहिए। ओके, यही सेक्शन 80A कहता था कि जब हम टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तो डिडक्शंस 80C से लेकर 80U तक अवेलेबल होती हैं, बट वो GTI से ज़्यादा नहीं होंगी। बट अगर हम और आगे बातें करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि जो डिडक्शंस हमें मिलती हैं वो हमें सिर्फ नॉर्मल इनकम से ही मिलती हैं, ठीक है, बाकी जो अदर इनकम हमारी स्पेशल इनकम होती है उससे डिडक्शन हमें नहीं मिलती है। और ये वाला पॉइंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये वाले सेक्शन कोर्स में नहीं होते, सिर्फ QQB, RRB और ATJJAA होता है। बट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हम अगर इन सेक्शंस में डिडक्शंस ले रहे हैं 80IA से लेकर 80RRB के बीच में जितने भी सेक्शंस आते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम अगर ऐसे सेक्शन की डिडक्शन ले रहे हैं तो वो डिडक्शन कभी भी उस पर्टिकुलर इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैंने कहा था ना कि हमारा ये डिडक्शन हमें कब मिलती है, अगर हमारी उस नेचर का बिजनेस है, हमारे उस नेचर की इनकम है, तब हमें डिडक्शन मिलती है। तो अगर आप इस सेक्शन की डिडक्शन ले रहे हैं तो जिस नेचर की इनकम आ रही है
उससे ज्यादा ऑब्वियसली नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल QQB, QQB होता है रॉयल्टी ऑन बुक्स, ठीक है। मैं 80i वगैरह की एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपने वो किए नहीं है, क्योंकि हम CFN लेवल पे पढ़ेंगे, बट QQB RRB वगैरह के बारे में आप जानते हैं। जैसे QQB है, QQB होता है रॉयल्टी का। अब मान लेते हैं हमें पता है, अगर हम QQB के बारे में थोड़ा बहुत याद है हमें, तो हम मैक्सिमम 3 लाख की डिडक्शंस ले सकते हैं, वहाँ पे 3 लाख की एक लिमिट होती है, राइट। बट मान लेते हैं कि किसी की रॉयल्टी इनकम ही 2,80,000 रुपीज है, तो क्या हम 3 लाख की डिडक्शंस ले सकते हैं? द आंसर इज नो। हम मैक्सिमम सिर्फ, तो ये बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है, लिखी हुई है कि आप अगर ऐसे सेक्शंस की डिडक्शंस लेना चाहते हैं जो 80i से लेकर 80RRB के बीच में आते हैं, समझ में आ रही बात, तो हम मैक्सिमम सिर्फ इतनी डिडक्शंस ले सकते हैं जितनी उस नेचर की इनकम है, राइट। तो अगर 2,80,000 की इनकम है तो हम सिर्फ मैक्सिमम 280 ही ले सकते हैं, राइट। तो सिंपल बातें हैं, क्योंकि ये बिजनेस बेस्ड डिडक्शन होती है, प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शंस होती हैं, तो जितना उस बिजनेस से या जिस जितना उस नेचर ऑफ इनकम आ रही है, तो हम मैक्सिमम डिडक्शन उतनी ही ले पाएंगे, ठीक है। सिंपल बातें थी, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए अभी ये, ओके। अब हम यहां से अपने मेन सेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा 80C, ठीक है। 80C होता है कि अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलता है ये 80C, बाकी किसी SAC को नहीं मिलता, पार्टनरशिप फर्म कंपनी वगैरह 80C नहीं ले पाते हैं। याद रखिएगा, एलिजिबल SAC सिर्फ इंडिविजुअल और HUF है। वो SAC अगर नॉन रेसिडेंट है तो क्या 80C मिल जाता है? आंसर इज येस। याद रखिए, ये बातें MCQ में पूछी जा सकती हैं। अगर SAC हमारा नॉन रेसिडेंट है, 80C की डिडक्शन फिर भी मिलेगी, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों को ये डिडक्शन मिलती है। बट हाँ, ये डिडक्शन सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम के लिए होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में तो सिर्फ 3 डिडक्शन है, 80CCD2, CCH2 और 80JJAA, ठीक है। वो 3 सेक्शंस में बार बार कोट करूंगा इस लेक्चर में, जिससे कि आपके स्टोर हो जाए दिमाग में, जैसे कि वो 3 डिडक्शंस ही न्यू रिजीम वाले ले सकते हैं, बाकी सारे डिडक्शंस तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम वाले ही लेंगे, ओके। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होती है इसमें? 1,50,000 की। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ जगह पर पेमेंट करते हैं, तो आपको डिडक्शन मिलती है स्पेसिफाइड पेमेंट से, जैसे कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है ये, अक्सर एग्जाम में इस वाले पॉइंट पर आ जाता है हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट कि SAC ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है, या फिर अपने फादर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है, तो क्या उसको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी? हम जानते हैं कि LIC प्रीमियम पे करना 80C में आता है, बट अगर इंडिविजुअल की असेसमेंट कर रहे हैं आप, तो इंडिविजुअल SAC सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकता है, तो डिडक्शन मिल जाएगी। अपने स्पाउस के लिए मिल जाएगी और अपने बच्चों के लिए मिल जाएगी। अब ये स्पाउस या बच्चे डिपेंडेंट हो या नॉन डिपेंडेंट हो, फिर भी मिल जाती है, पेरेंट्स यहाँ पर कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर अक्सर आपको एग्जामिनर टेस्ट करता है, वो आपको बताएगा कि SAC के फादर या मदर उसके ऊपर होली डिपेंडेंट थे, वो कन्फ्यूज करेगा आपको कि वो होली डिपेंडेंट थे और वो उसकी LIC प्रीमियम पे कर रहा है। प्लीज 80C की डिडक्शन मत दीजिएगा, 80C में यहाँ पर पेरेंट्स कवर्ड नहीं है, सिर्फ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, ये मेजर, माइनर, डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट सभी कवर्ड है, राइट। HUF के लिए तो आप सिंपल जानते हैं, जहां पर भी HUF की बातें आती हैं, तो HUF तो अपने किसी भी मेंबर के लिए अगर पेमेंट करते हैं तो उसको डिडक्शन मिल जाती है, करेक्ट। तो LIC की प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाएगी, इंडिविजुअल SAC के लिए, अपने लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ओके। बट एक बात याद रखिएगा कि ये पॉलिसी इशू कब हुई है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी एक अपनी इंटरनल रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि ये पॉलिसी की इशू डेट क्या है। जनरली वैसे हम लोग मानते हैं 10% ऑफ द जनरल सिनेरियो में 10% ऑफ द सम एश्योर्ड तक मैक्सिमम हम डिडक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम एश्योर्ड अगर 10 लाख रुपीज है तो उसका 10%, ये जनरल है, ठीक है, 10% यानी कि 1 लाख रुपीज तक अलाउड होते हैं। इसकी एक अपनी इंटरनल लिमिट भी है LIC की, ओवरऑल लिमिट 80C की 150 है, 1,50,000 रुपीज, बट इसकी एक अपनी इंटरनल लिमिट भी है, जनरली वो 10% है, बट कुछ केसेस में वो 20% भी होती है, कुछ केसेस में वो 15% भी होती है। कब होती है? डिपेंड करता है कि पॉलिसी की इशू डेट पर। अब ये बातें ना मैंने आपको सिखाई थी जब अभी मैंने थोड़ी एक दो दिन पहले IFOS का लेक्चर आपका लिया था, रिविजनरी लेक्चर, तो वहां पर मैंने डिटेल में बातें की थी कि इन डेट्स को कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिर वो दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रिविजनरी लेक्चर है, तो आई वुड लाइक टू मेक इट क्रिस्प एंड शॉर्ट। और ये बातें अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ वो IFOS का लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, वहां पर मैंने डिटेल में बातें की है। और जो अमेंडमेंट भी आई है 5 लाख वाली, मैंने उसकी भी बातें वहां पर की हुई है। 5 लाख वाली जो अमेंडमेंट आई है वो यहाँ पर एप्लीकेबल इसलिए नहीं होती, क्योंकि
वहां पर ये लिखा हुआ है जो भी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 के बाद इश्यू हुई है उसमें जो मैक्सिमम प्रीमियम लेते हैं वो हम 5 लाख लेते हैं। अब देखो 5 लाख की बात यहाँ पर रिलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम डिडक्शन ही 1,50,000 है, तो वो जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पर रिलेवेंट नहीं होती प्रैक्टिकली, बट हाँ IFRS में वो रिलेवेंट होती है। ठीक है, हाँ जी दोबारा वापस आता हूँ। तो जनरली 10% लीजिएगा, बट यस अगर पॉलिसी की डेट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2012 हो तो हम 20% ऑफ समय शॉर्ट तक ले सकते हैं, 20% से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 20% तक। अगर पॉलिसी इशू हुई है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में अगले एक साल तक तो हम 10% ही लेते थे, बट उसके बाद ये चेंज कर दिया गया। हमने देखा जो लोग फिजिकली हैंडीकैप डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए ज़्यादा प्रीमियम देनी पड़ती है, तो बाकी लोगों के लिए 10% ही रखा, बट 15% ऑफ सम इंश्योर्ड अगर इंश्योर्ड जिस व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस कराया है अगर वो डिसेबल है तो हम 15% ले लेते हैं, राइट। और मैंने आपको एक याद करने की ट्रिक भी बताई थी वहाँ पर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बस ये समझ लीजिएगा 1/4/2012 वाली डेट याद रखिएगा, इसी डेट से सब कुछ बिल्डअप कर दीजिएगा, ठीक है। इस डेट से पहले पहले अगर पॉलिसी इशू हुई है 1 अप्रैल 2012 याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2012 से अगर पहले पॉलिसी इशू हुई है तो 20% लेना है। ऑल्दो एक और आती है डेट 1 अप्रैल 2003 से पहले, हमारे पास ऐसी कोई परसेंटेज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इतना ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा बस 1 अप्रैल 2012 से पहले 20% लेनी है, इसके बाद 10% लेनी, इसके एक साल के बाद तो हर पॉलिसी के ऊपर 10% ही लेनी थी, एक साल तक ऐसा चला, एक साल के बाद चेंज हो गया। अगर आप देखेंगे ये एक साल का पीरियड है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 तक, उसके बाद चेंज हो गया, सिर्फ फिजिक जो डिसेबल हैं उन लोगों के लिए 15% हो गया, बाकी लोगों के लिए 10% ही रहा। अब एक और चीज़ आ गई है 1 अप्रैल 2023, जैसे मैं बोल रहा था कि वहाँ पर हमारे पास एक और लिमिट आ गई है 5 लाख, बट वहाँ यहाँ पर रिलेवेंट नहीं होती क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम डिडक्शन ही 1,50,000 ही हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप पे करते हैं SSC तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। किसको मिलेगी, न्यू रिजीम वालों को या सिर्फ ऑप्शनल रिजीम वालों को? सिर्फ ऑप्शनल रिजीम वालों को, न्यू स्कीम वालों को 80C प्लीज मत दीजिएगा, करेक्ट। अच्छा कुछ बार ना कभी कभी ना क्वेश्चन ये आ जाता है, वैसे तो देखो हमेशा ना एग्जाम में हमेशा ऑलमोस्ट 100% मैं कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम में ये बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन, या तो कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी है, या तो न्यू टैक्स रिजीम या फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। वो बोलेगा कि SSC इज ऑप्टिंग 115 BAC या ऑप्ट आउट कर रहा है 115 BAC, तो वो 100% ऑलमोस्ट ये बोलेगा, बट फिर भी 0.0001% अगर क्वेश्चन ये ना बोले कि किस तरीके से SSC ऑप्ट कर रहा है, तो हमेशा आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, क्योंकि उसका नाम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम का नाम अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गया, तो बाय डिफॉल्ट SSC अब फिर न्यू टैक्स रिजीम ही फॉलो करता है, वैसे खींचेगा। बट अगर आपका क्वेश्चन थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि वहां पर ये पूछे कि आपसे कि कौन सा उसके लिए बेटर रहेगा, अगर वो आपसे एडवाइस मांगे कि कौन सा बेटर है, ऑप्टिमाइजेशन कीजिएगा कौन सा बेटर है, फिर उस केस में हमें दोनों ही सॉल्व करके देखने पड़ते हैं कि कहां पर हमारी टोटल इनकम कम आ रही या कहां पर हमारी सॉरी टैक्स लायबिलिटी सबसे कम आ रही है, तो वो हमारा बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो अगर ऑप्टिमाइजेशन की बातें पूछे कि कौन सा बेटर है, तो फिर तो हमें दोनों ही बताने पड़ते हैं, जो जितना भी क्या निकालिए टोटल इनकम या टैक्स, टोटल इनकम के बाद टैक्स निकाल के देखिएगा क्योंकि टैक्स रेट भी दोनों में अलग अलग है, तो लास्ट में जब हमारी जो टैक्स लायबिलिटी आती है जो सबसे कम होती है, फिर वो हमारा बेटर ऑप्शन होता है, समझ गए। तो जनरली तो क्वेश्चन देगा आपको कि किस रिजीम को फॉलो करना है, अगर क्वेश्चन ना दे तो हमेशा न्यू स्कीम यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कीजिएगा, और अगर ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन हो फिर तो दोनों ही सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके सॉरी, आगे बात करते हैं और कहां कहां पर ATC में डिडक्शन हमें मिल सकती है अगर SSC इन्वेस्ट करते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में या प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड में, तो हमें डिडक्शन मिल जाती है उन्हीं लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन ATC में पेरेंट्स कवर्ड नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सैलरी की बातें आपको रिलेट कीजिए सैलरी से, जनरली जब सैलरी का क्वेश्चन होता है तो आप ATC की डिडक्शन दे दीजिएगा। यहां पर हमें पता है कि अगर हमारा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, अगर वो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कर रहा है फिर तो कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं, अगर वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड में कर रहा है तो हमें डिडक्शन मिलती है। बट जितना भी पहले एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो हमारी सैलरी इनकम होती है, और उसमें से हमारी सैलरी में से जितना भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। अगर स्टैचुटरी है तो पूरी डिडक्शन मिल जाती है, अगर वो
आरपीएफ है तो आपको पता है 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी तक हमें डिडक्शन मिल जाती है, राइट। यहां पर ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं इंप्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की, जितना इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये इंप्लॉय की इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं। तो हमें जब हमने फॉर एग्जाम्पल सैलरी का क्वेश्चन आया, सैलरी में बोला कि एसएससी को बेसिक सैलरी मिल रही है, डीए मिल रहा है, बाकी के अलाउंसेस मिल रहे हैं, साथ साथ में इंप्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और इंप्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, दोनों लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मान लेते हैं आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, आरपीएफ जनरली आता है एग्जाम में। तो आप क्या कीजिएगा, अपनी सैलरी इनकम निकालिएगा पहले, तो ठीक है सैलरी इनकम निकालिएगा, और सैलरी में इनकम में जब आप निकालते हैं बेसिक सैलरी डीए वगैरह बाकी अलाउंसेस, फिर आप क्या लिखते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जितना आरपीएफ में, आरपीएफ है, आरपीएफ में जितना हुआ है उसको भी अपने सैलरी का पार्ट बनाइएगा, और वहां से ही आपको पता है डिडक्शन भी वहीं पर वहीं देनी है जितना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट जितना कर रहा है या 12% ऑफ सैलरी की आप डिडक्शन वहां पर देते हैं, 750,000 वाली भी लिमिट होती है जो हमने सैलरी में डिस्कस किया था, राइट। यानी कि जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन करा उसकी डिडक्शन तो आपको ऊपर ही मिल गई ना जब आपने सैलरी कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब अपनी सैलरी कंप्यूट करिए, ठीक है, नेट सैलरी आपकी आ गई, बाकी हेड्स हैं वो आज आ गए, फिर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब यहाँ पर डिडक्शन दीजिए जितना एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करा, जितना एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करा, और अगर एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में या रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जितना एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है उसकी डिडक्शन उसको यहाँ पर दीजिए 80C में। तो 80C में क्या हुआ, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऊपर ही मिल गया था जब आपने सैलरी की कंप्यूटेशन की थी, क्लियर हो गया। और आपको एक और पता है, एक और चीज होती है पीपीएफ, प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक्चुअली एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ये तो हर कोई अपने लिए अपना पीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, अपने फैमिली मेंबर के लिए वो कर सकता है। तो यहाँ पर पीपीएफ भी अलाउड है, ये जितना एसएससी ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है पीपीएफ में, तो इंडिविजुअल ने अगर कॉन्ट्रीब्यूट करा है अपने लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या फिर एचयूएफ ने किसी भी मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए, ठीक है। ठीक, इसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ठीक है, यहां पर भी किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंप्लॉई का, लिख लीजिए यहां पर आप, इंप्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये, ऊपर भी किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, इंप्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में अगर फॉर एग्जाम्पल इंप्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो हम पहले सैलरी इनकम बनाते हैं और उसमें से डिडक्शन भी दे देते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन 750,000 की मिल सकती है अगर वो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में मिल रहा है। यानी कि एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऊपर ही मिल गई, डिडक्शन तो ऊपर ही मिल गई जब हम सैलरी कंप्यूट कर रहे थे, यहाँ पर कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉई जब कॉन्ट्रीब्यूट करता है तब डिडक्शन मिलती है, ठीक है, ओके। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में आप जानते हैं कि इसके बारे में मैं बता नहीं रहा हूँ कि क्या होता है अकाउंट, आप लोग जानते हैं, सिर्फ याद कर लीजिएगा सुकन्या समृद्धि स्कीम, तो यहाँ पर भी अगर एसएससी इन्वेस्ट करे तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। बट ओवरऑल टोटल डिडक्शन 80C में कितने से ज्यादा नहीं हो सकती, 150,000 रुपीज से। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स अलाउड है, याद आ गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, तो एनएससी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी अलाउड हो जाता है। अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी, इनके एन्युटी प्लान में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स के UTI के कुछ यूनिट्स होते हैं जो मेनली टैक्स सेविंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, इनके नोटिफाइड कुछ यूनिट्स होते हैं, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम हमारा इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि 3 साल तक हमारी इन्वेस्टमेंट रहती है, 3 साल से हम पैसे पहले बाहर नहीं निकाल सकते। खैर वो अब रेगुलर लेक्चर्स की बातें हो गई, बट प्लीज़ अभी याद कर लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड के नोटिफाइड या UTI के यूनिट्स भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड और UTI, अगर कोई पेंशन फंड सेटअप करा है म्यूचुअल फंड ने या किसी UTI ने तो हम यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर पेंशन फंड सेटअप कराओ LIC ने या किसी इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है, बट वो 80CCC में मिलती है। तो यहाँ पर जो पेंशन फंड है वो किसने सेटअप करे हैं, म्यूचुअल फंड ने या UTI ने। अगर आप नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे ना 80CCC, तो यहाँ पर भी पेंशन फंड लिखा होता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा अगर आप, तो दिस इज पेज नंबर 10.5, तो यहाँ पर भी पेंशन फंड हो रहा है, बट ये पेंशन फंड कौन सा है, LIC ने जो पेंशन फंड बनाया है, किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी ने बनाया है, तो वहां पर 80CCC मिल जाती है। यहाँ पर क्या था, पेंशन फंड यहाँ पर भी है वहां पर भी है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि 80C, 80CCC और CCD1 मिलाकर टोटल ही डिडक्शन 150,000 ही होती है, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए कि 80CCC में कौन से पेंशन फंड है, वो पेंशन फंड जो LIC ने या किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ने बनाया है वहां पर इन्वेस्टमेंट करें तो 80CCC होता है, म्यूचुअल फंड या UTI ने बनाया तो 80C होता है। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्कीम की अगर हम कोई डिपॉजिट करते हैं यहाँ पर NHB की नेशनल हाउसिंग बैंक में, तो यहाँ पर हमें डिडक्शन मिल जाती है।
ट्यूशन फीस अक्सर आता है, ट्यूशन फीस अक्सर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम दो बच्चों के लिए फुल टाइम एजुकेशन, फुल टाइम एजुकेशन के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। विद इन इंडिया, विद इन इंडिया इंपॉर्टेंट, अगर ट्यूशन फीस आप पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते, विद इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ट्यूशन फीस का मतलब क्या होता है, जो फुल टाइम एजुकेशन, जैसे स्कूल की फीस हो गई, कॉलेज की फीस हो गई, ठीक है, कोई फुल टाइम एजुकेशन है उसकी फीस हो गई है, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन की फीस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी ने अपने बच्चे के लिए उसकी बस की फीस या अदर फीस पे करी तो उसको डिडक्शन नहीं मिलती, जो स्कूल की जो फीस होती है इसको हम ट्यूशन फीस बोलते हैं, उसी की डिडक्शन मिलती है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह की डिडक्शन नहीं मिलती है, ओके। ये प्राइवेट ट्यूशंस नहीं है, ठीक है, ये स्कूल या जो स्कूल की ट्यूशन फीस होती है ये वो है, ठीक है, स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस। हाउसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल असेसी ने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर असेसी ने, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हाउस प्रॉपर्टी से भी लिंक करके देखिएगा, अगर असेसी ने फॉर एग्जांपल एक सैलरीड असेसी है और उसने घर खरीद लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसने लोन लिया और उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसको 24B में भी डिडक्शन मिलेगी। बट आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जो डिडक्शन मिलती है वो सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में मिलती है, न्यू रिजीम में तो नहीं मिलती, राइट, ठीक है। अगर वो न्यू रिजीम फॉलो कर रहा है 115BAC तो प्लीज 24B की डिडक्शन मत दीजिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड की। लेट आउट वगैरह की, डीम लेट आउट की मिल जाती है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड की नहीं मिलती है, जो 2 लाख तक की डिडक्शन होती है वो सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिलेगी। दूसरा, जब वो अपनी EMI पे कर रहा होगा तो उसने इंटरेस्ट की डिडक्शन 24B में लेगा, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है, जो उसने प्रिंसिपल रीपे किया उसकी डिडक्शन उसको 80C में मिल जाएगी। और वही बात, न्यू टैक्स रिजीम को तो 80C मिलता नहीं है, तो ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम के लिए ही मिल जाएगा, यानी कि 24B उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला और 80C का प्रिंसिपल रीपेमेंट वाला, वो दोनों ही ऑप्शनल टैक्स रिजीम के लिए रहेंगे उस इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। बट और हाँ, 80C में जो स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस उसने घर खरीदते समय वगैरह पे करी होगी वो भी उसकी डिडक्शन भी मिल जाती है, प्रिंसिपल रीपेमेंट की भी, स्टैम्प ड्यूटी की, रजिस्ट्रेशन फीस की मिल जाती है। बस ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये घर 5 साल से पहले, आप अगर आपने 80C की डिडक्शन ले रहे हैं तो ये घर आपको कम से कम 5 साल तक के लिए अपने पास रखना है, 5 साल से पहले इसको ट्रांसफर नहीं करना है, बेचना नहीं है। अगर आपने 5 साल से पहले बेच दिया तो जितनी भी डिडक्शंस ली थी वो वापस आपकी इनकम बन जाती है, फिर वापस आपकी इनकम बन जाती है। तो ये 5 साल वाली बातें याद रखिएगा, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। इक्विटी शेयर्स खरीदें या डिबेंचर्स खरीदें, क्या किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स अलाउड है? नहीं जी, किसी भी कंपनी के लिए नहीं है। यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अगर डिबेंचर्स या फिर शेयर्स खरीदेंगे तो ही अलाउड है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का डेवलप हो, ठीक है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज हैं अगर आप उनके इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदेंगे और वो भी मिनिमम 3 साल के लिए, तब आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कुछ सब्सक्रिप्शन ऑफ सर्टेन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हमने कवर कर ही लिया है। इन्वेस्टमेंट 5 ईयर टर्म डिपॉजिट, कम से कम आप 5 साल की FD कराते हैं, अगर 5 साल की FD कराते हैं तो बैंक में जाइए, उनको बताइए कि मुझे ऐसी FD करानी है जिससे मेरा टैक्स सेविंग होती है, तो वो आपकी 5 साल की FD करेंगे, आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल कराए जाएंगे, और 5 साल से पहले आप ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं मेनली। और 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, 5 नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड याद रखिएगा, नाबार्ड के बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में है NPS में, न्यू पेंशन स्कीम तो पर 80CCD में आता है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये Tier 2 है, Tier 2 होता है वॉलंटरी पेमेंट जब आप करते हैं, तो वो जो हम बातें करते हैं वो Tier 1 होता है, 80CCD, CCD 1, CCD 2 वाली, वो Tier 1 वाला NPS है, ये Tier 2 वाला है, तो Tier 2 में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कभी भी पैसे यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फ्रीली भी नहीं होता, बट हाँ इसमें रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम होती है, इसमें विड्रॉ वगैरह हो जाता है, तो ये वॉलंटरी भी होता है, तो अगर असेसी खुद के लिए अपना Tier 2 अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना चाहे NPS के तो वो कर सकता है, 80C में उसको भी डिडक्शन मिल जाती है। पर प्लीज़ याद रखिएगा, 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन होती है वो 150,000 होती है, और 80C जो 150,000 वाली लिमिट है वो 80C में भी होती है, CCC में भी, और 80CCD 1 में भी, 80CCD 1, जो CCD 2 होता है या CCD 1 भी होता है वो 150,000 की लिमिट से बाहर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन है 80CCC, 80CCC के बारे में मैं बातें आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये पेंशन फंड है, कौन से पेंशन फंड है, पेंशन फंड हमने वहाँ पर भी पढ़े 80C में, वो थे म्यूचुअल फंड्स के या फिर UTI के, ये जो पेंशन फंड्स हैं, दीज फंड्स आर सेटअप बाय
LIC या अदर इंश्योरेंस कंपनी, तो हमें डिडक्शन मिल जाती है मैक्सिमम 150,000 की। क्या 80C की डिडक्शन 150 अलग है, 80CCC की अलग है? नहीं जी, कंबाइंड लिमिट 150 है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। और ये पैसा जब अगर मेच्योरिटी पर, ऐसे फंड का पैसा अगर मेच्योरिटी पर मिलता है तो टैक्सेबल होता है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी, सरेंडर, विड्रॉल, वो टैक्सेबल होता है असेसी के हाथ में या फिर नॉमिनी के हाथों में। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80CCD, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। और CCD के एक्चुअली तीन पार्ट है, तो CCD1 और CCD1B और दूसरा पार्ट है 80CCD2। और 80CCD2 के बारे में जानते हैं, ये डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रिजीम अगर हम फॉलो कर रहे हैं 115 BAC, हमें वहां पर भी 80CCD2 मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर भी मिल जाएगा। ऑप्शनल रिजीम में तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑप्शनल रिजीम में तो सब कुछ मिलेगा, बट न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ हमें CCD2 मिलेगा, CCD1 और CCD1B नहीं मिलता, ठीक है। CCD1 और CCD1B क्या होता है, जो असेसी ने खुद कंट्रीब्यूट करा। CCD2 होता है जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा था। सर आपने तो कहा था कि जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा उसकी डिडक्शन तो ऊपर सैलरी में मिल जाती है। अरे मैंने प्रोविडेंट फंड के बारे में बातें की थी, सुपर एनुएशन फंड के बारे में बातें की थी, पेंशन स्कीम के बारे में बातें नहीं की थी। अब थोड़ा सा इसको सैलरी के साथ मिक्स करके पढ़िए, ठीक है, सैलरी के साथ लिंक करके पढ़िए इसको। फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, असेसी का एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी देता है, DA देता है, बाकी परक्यूजेट्स देता है, और साथ साथ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम भी देता है। पेंशन प्रोविडेंट फंड नहीं बोल रहा, पेंशन स्कीम बोल रहा हूँ, ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम भी देता है। तो जितना बेसिक सैलरी दिया टैक्सेबल कीजिए, अदर अलाउंसेस देख लीजिए कितना टैक्सेबल अमाउंट है वो टैक्सेबल कीजिए, परक्यूजेट्स की वैल्यू निकालिए टैक्सेबल कीजिए। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम पूरा का पूरा सैलरी का पार्ट बना दीजिए, उसकी कोई डिडक्शन ऊपर मत दीजिएगा, ऊपर मतलब सैलरी कंप्यूट करते समय कोई डिडक्शन मत दीजिएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम को पूरा का पूरा अपने सैलरी का पार्ट बना दीजिए, ग्रॉस सैलरी आ जाइए, डिडक्शन 50,000 वगैरह, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जो भी है सेक्शन 16 की वो दीजिए, सैलरी की इनकम आ जाइए भाई। यानी कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम की डिडक्शन ऊपर नहीं मिलती, प्रोविडेंट फंड RPF SPF वाले की ऊपर ही मिल जाती है सैलरी कंप्यूट करते समय, बट इसकी डिडक्शन ऊपर नहीं मिलती, यानी कि सैलरी कंप्यूट करते समय नहीं मिली। बाद में जब आप GTI के बाद आप अपनी डिडक्शन देंगे, इसकी डिडक्शन बाद में मिलती है, यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन की डिडक्शन तो मिलती मिलती है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम भी बाद में मिलता है, ठीक है, एज 80CCD2। और ये दोनों तरह के रिजीम में अलाउड होता है, ठीक है। चलिए पहले CCD1 और CCD1B की बातें कर लेते हैं। जितना एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करा पेंशन स्कीम में उसकी डिडक्शन मिल जाती है, बट इस पर एक लिमिट होती है 10% ऑफ सैलरी, इसकी एक लिमिट है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पर सैलरीड SSC ने जितना भी कंट्रीब्यूशन करा है, बट इसकी CCD1 की एक अपनी लिमिट है 150,000 की, एक दूसरी लिमिट भी है जो ये शेयर करता है 80C के साथ और 80CCC के साथ, ठीक है, याद आ गया है आपको, 80C, CCC और CCD1 तीनों मिलाकर आप 150 से ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ की क्या लिमिट हो गई, एक तो जितना SSC ने कॉन्ट्रीब्यूट करा, दूसरा 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 150,000 रुपीस, ठीक है, इसमें से जो भी लोअर है, और 150 जब आप देखेगा वो माइनस करके देखेगा, क्योंकि बाकी 80C और 80CCC वगैरह आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो उतना लिमिट वो 150 की माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अगर असेसी ने, फॉर एग्जाम्पल ये जो असेसी है, क्योंकि आप कुछ लोग जानते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम पहले इंप्लॉयज के लिए आई थी, पहले स्पेशली गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए आई थी, फिर ये प्राइवेट इंप्लॉयज के लिए भी हो गई थी, फिर बाद में सभी तरह के SSC के लिए हो गई थी। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, अगर अदर SSC है, सैलरीड SSC है, तो 10% ऑफ सैलरी, अदर SSC है तो मैक्सिमम कितना रहेगा 20% क्यों लिया, क्योंकि इस बेचारे को CCD2 तो मिलना नहीं है, क्योंकि इसका इंप्लॉयर तो कोई है नहीं, तो इस केस में इसको हम डबल डिडक्शन दे रहे हैं 20% ऑफ GTI, 20% ऑफ सैलरी नहीं ले सकते फिर हम, क्योंकि सैलरी इसकी आती नहीं है अदर सैलरीड SSC की, तो यहाँ पर अदर देन सैलरीड SSC है तो 20% ऑफ GTI, ठीक है, और फिर हम इंप्लॉय की कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन 80CCD1 में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कंट्रीब्यूशन ज्यादा करा, बट हम CCD1 में डिडक्शन इतनी ले नहीं पाए, रीजन क्या था, सर ऑलरेडी 80C और 80CCC मेरी 150,000 की लिमिट आ गए थे, तो मैं डिडक्शन ले नहीं पाया, या फिर 10% ऑफ सैलरी की रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, मैं जितना भी मैंने अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करा उसकी डिडक्शन मैं ले नहीं पाया। तो अगर SSC फिर भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है और वो अपनी पूरी डिडक्शन 80CCD1 में नहीं ले पाता, तो उसके लिए हम 80CCD1B भी लेकर आए हैं, कि अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट करा और आप जितना भी कंट्रीब्यूट करा अगर आप डिडक्शन वहां पर नहीं ले पाए हैं, तो CCD1 में नहीं ले पाए, तो आपके लिए CCD1B है, ये भी SSC का ही कंट्रीब्यूशन है,
ठीक है राइट। अगर वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर ही ले लिया उसने पूरा का पूरा अपना डिडक्शन, तो सीसीडी वन बी की जरूरत ही नहीं आएगी। सीसीडी वन बी की जरूरत तब आती है जब असेसी ने कॉन्ट्रीब्यूट करा हो, असेसी मतलब इंप्लॉय है मेनली यहां पर, उसने यहां पर कॉन्ट्रीब्यूट करा हो पर फिर भी वो डिडक्शन ले नहीं पा रहा हो। किस वजह से? वो लिमिट्स की वजह से, 150 की लिमिट की वजह से, 10% ऑफ सैलरी की लिमिट की वजह से, तो फिर वो सीसीडी वन बी में डिडक्शन ले सकता है। बट सीसीडी वन बी की अपनी अलग लिमिट है 50,000 कि 50,000 से ज्यादा की आप डिडक्शन सीसीडी 1B में नहीं ले सकते। और ये 150 की, जैसे मैंने बताया था, ये 150,000 वाली डिडक्शन इसके ऊपर नहीं लगती, इसकी अपनी लिमिट है 50,000 रुपीज की। ठीक है, तो ये तो हुआ असेसी का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सीसीडी 2 में आता है, और सीसीडी 2 दोनों ही रिजीम वाले लोग ले सकते हैं। जितना भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। अब यहां पर याद करिएगा, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन, ये तो 150,000 की लिमिट से तो बाहर है, ठीक है राइट। ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये 150 वाली लिमिट मत लगाइएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर एक अपनी ही लिमिट है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है, और 14% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी। अगर अदर एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 14% ऑफ सैलरी, अदर एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस ये फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये सीसीडी 2 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जब ये न्यू पेंशन स्कीम फॉर एग्जांपल विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, या फिर फॉर एग्जांपल एसएससी की डेथ हो गई है, तब ये उसके नॉमिनी को पैसा मिल रहा है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, यानी कि इसके विड्रॉल पर क्या टैक्सेबिलिटी होती है। तो अगर एसएससी की डेथ हो गई, जिसके नाम पर ये एनपीएस था उसकी डेथ हो गई, उसके लीगल हेयर को पैसे मिले हैं, तो ये फुली एग्जेम्प्ट होता है। तो डेथ पर ये फुली एग्जेम्प्ट होता है। बट फॉर एग्जाम्पल डेथ नहीं हुई है, बस सिर्फ ये मैच्योर हो रहा है, तो मैच्योरिटी पर जब आप इसको पैसे विड्रॉ करते हैं इसके, या इसके क्लोजर पर इसको क्लोज कर रहे हैं आप, तब इसका पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो जितना भी पैसा विड्रॉ हुआ उसका 60% एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 में, ठीक है। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, 10-12 में पूरा जरूरत नहीं है, सिर्फ सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता है। परसेंटेज याद रखिएगा 60%, कब? अगर जब ये सरेंडर हो रही, जब ये विड्रॉ कर रहे हैं, पूरा एनपीएस बंद हो रहा है, ठीक है, उस समय ये क्लोज हो रहा है तब पैसा विड्रॉ हो रहा है। डेथ पर हुआ तो फुली एग्जेम्प्ट है, डेथ पर नहीं हुआ था, क्लोज करने के बाद पैसा विड्रॉ हुआ, 60% एग्जेम्प्ट रहेगा, 40% टैक्सेबल रहेगा, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसमें से कुछ पैसा पार्शल विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या टैक्सेबल होगा? द आंसर इज येस, टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल होता है, कितना होता है तो डिपेंड करता है असेसी कौन है, सैलरीड असेसी है या अदर असेसी है। अगर अदर देन सैलरीड है तो फुली टैक्सेबल होगा, अदर देन सैलरीड के लिए तो फुली टैक्सेबल होगा। ये कब होगा? पार्शियल विड्रॉ पर, यानी कि एनपीएस क्लोज नहीं हुआ है, आप बीच में ही कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। अदर देन सैलरीड एसएससी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, बट सैलरीड एसएससी के लिए 25% एग्जेम्प्ट है, 75, इसके लिए भी देखो मेजरली टैक्सेबल है, कितना? 75% टैक्सेबल है, 25% एग्जेम्प्ट है। प्लीज ये परसेंटेजेस आपको याद करनी होगी, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डेथ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेथ पर नॉमिनी को जो पैसा मिलता है फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट अगर ये एनपीएस क्लोज कर रहे हैं तब पैसा मिल रहा है तो मेजरली एग्जेम्प्ट करिएगा, कम वाला इसको टैक्सेबल कीजिएगा। 40% टैक्सेबल करना, मेजरली मतलब 60% एग्जेम्प्ट कर देना। बट अगर ये पार्शियल विड्रॉल हो रहा है, अभी क्लोज नहीं हो रहा बट इसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में अगर अदर देन सैलरीड एसएससी है फुली टैक्सेबल, सैलरीड एसएससी है तो 75% टैक्सेबल, 25% एग्जेम्प्ट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब 80CCH काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि इस बार की अमेंडमेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज अमेंडमेंट मैंने लिख भी दिया है, वैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा इसको। CCH अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ आपको पता है कि ये यूथ को डिफेंस फोर्सेस के लिए एक स्कीम आई है गवर्नमेंट की, कि 4 साल तक हम आपको रिक्रूट रखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से हम रिटायर कर देंगे और आप काफ़ी स्किलफुल हो जाएंगे, आप कहीं और जॉब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मदद मिलती है, और 25% जितना भी हमने रिक्रूट करा होगा उसमें से रिटेन करेंगे, 75% को रिटायर करेंगे, वो सब स्कीम होती है। बट हमें इसकी टैक्सेबिलिटी देखनी है, टैक्सेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर 4 साल तक गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली आपको पैसे देगी, और साथ साथ में आपका कुछ पैसा अग्निपथ कॉर्पस फंड में भी डिपॉजिट करती है, और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पैसे देती है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से, यानी कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी है और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। तो हमें तो सिर्फ टैक्सेबिलिटी के बारे में देखना है। तो जितना भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सबसे पहले तो उसको सैलरी का पार्ट बना दीजिए, बिल्कुल एनपीएस की तरह, ठीक है। तो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है, सैलरी अलाउंसेस मिल रही है, वो टैक्सेबल कीजिएगा। साथ साथ में जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कौन है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट है बेसिकली, डिफेंस फोर्सेज का मामला है ये, तो
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लॉयर है और कोई तो इंप्लॉयर है नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी कंट्रीब्यूट कर रही है सबसे पहले आप उसको ऊपर ही सैलरी का पार्ट बना दीजिए। ऊपर का मतलब जब आप सैलरी कंप्यूट कर रहे होंगे तब आप उसको सैलरी का पार्ट बना देंगे, राइट। ऊपर कोई डिडक्शन नहीं देनी, पूरा का पूरा सैलरी का पार्ट बना दीजिएगा। बाद में जब आप आपकी जीटीआई आ जाए, जब जीटीआई आ जाए तब डिडक्शन दीजिएगा 80CCH1 और 80CCH2। ठीक है, यहाँ पर 1B वगैरह वाला चक्कर नहीं है, यहाँ पर CCH1 और CCH2 है। CCH1 एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का मतलब जो सोल्जर है, अग्निवीर है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, और CCH2 एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन। CCH2 वाला जो डिडक्शन है वो दोनों तरह के SSC को, चाहे वो न्यू स्कीम ले रहा हो या ऑप्शनल स्कीम ले रहा हो, दोनों तरह के SSC को अवेलेबल है। CCH1 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में अवेलेबल है, राइट। तो अभी तक हमारे पास न्यू रिजीम के लिए CCD2 था, अब CCH2 भी, दो चीजें पढ़ रही, डबल जे डबल ए और पढ़ लेंगे, बस ये तीन डिडक्शन सिर्फ न्यू रिजीम में मिलती हैं, राइट। तो जितना CCH के दो पार्ट हो गए, CCH1 और CCH2। CCH1 में जितना भी इम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करा, इम्प्लॉय ने मतलब अग्निवीर ने, जो सोल्जर है उसने कॉन्ट्रीब्यूट करा है कॉर्पस फंड में, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। CCH2 में जितना भी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट करा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें और कोई लिमिट नहीं है, कोई 150 वगैरह की कोई लिमिट नहीं है, जितना भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है CCH2 में डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले आपने उसको सैलरी का पार्ट बनाया। अब देखो, अगर जब पूरा क्वेश्चन आप कर रहे हो सैलरी के साथ प्लस CCH2 के साथ, तो जब सैलरी का क्वेश्चन करिएगा, जितना भी अमाउंट एम्प्लॉय को मिल रहा है वो सब टैक्सेबल सैलरी बनाइएगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड भी सैलरी का पार्ट बना दीजिएगा पहले ऊपर, ठीक है। फिर जब आप जीटीआई निकालेंगे उसमें से CCH1 और CCH2 की डिडक्शन दे दीजिएगा। अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है SSC तो CCH1 भी आएगा, CCH2 भी आएगा। अगर न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है SSC डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो सिर्फ CCH2 आएगा, ठीक है। तो CCH2 में क्या होता है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन, CCH1 में एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और लास्ट में जब इसका पैसा मिलता है ना, क्योंकि ये तो डिफेंस वाले सोल्जर्स को पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर जब लास्ट में इसका पैसा मिलता है विद इंटरेस्ट, वो एग्जेम्प्ट भी होता है। इसी वो स्कीम इस तरीके से बनाई गई है। बट प्लीज़ आप CCH1 और CCH2 को अच्छे से करिएगा, ठीक है। आपके 2024 एग्जामिनेशन में मेजरली ये आ सकता है आपको। सिंपल सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 80D। 80D होता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। 80D हमेशा, कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं है, बट ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, 80D क्या न्यू टैक्स रिजीम के लिए मिलेगा? नहीं सर, न्यू टैक्स रिजीम के लिए तो CCH2 है, CCD2 पड़ा था और EEE है, बस वो ये सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम वालों के लिए है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम वालों के लिए, न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए नहीं है। 80D की डिडक्शन किसको मिलती है? इंडिविजुअल को और HUF को मिलेगी, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, दोनों तरह के SSC को मिल जाती है। अगर SSC यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता है, मेडिकल इंश्योरेंस कह सकते हैं इसको, हेल्थ इंश्योरेंस कह सकते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस कह सकते हैं, तो यहाँ पर अगर SSC अपना, अपने फैमिली मेंबर का, इवन यहाँ पे पेरेंट्स भी कवर्ड है, आप अपने पेरेंट्स के भी मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा खर्च करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भी डिडक्शन मिल जाती है। और इनफैक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल SSC सीनियर सिटीजन है, SSC के पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, और किसी वजह से उनको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि हम उनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन है तो काफ़ी सारे मेडिकल एक्सपेंसेस होते होंगे, तो कंपनीज मना कर देती हैं। तो उस केस में, तो अगर इंश्योरेंस नहीं मिल पाया उनके लिए, तो उनके केस में जो मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस है उसकी भी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। पर प्लीज़ याद रखिएगा, जब भी मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा हो, मेडिकल इंश्योरेंस बोले इसको, दूसरा नाम क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये प्रीमियम कैश में नहीं पे होनी चाहिए। एक प्रीमियम अगर कैश में पे हुई तो 80D की डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। एक यहाँ पर सिर्फ एक कंसेप्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, याद आ गया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर आपने हेल्थ चेकअप कराया, मैक्सिमम डिडक्शन उसकी 5,000 होती है, वो कैश में पे हो सकता है, वो कैश में पे हो सकता है, अदरवाइज बाकी चीज़ें कैश में पे नहीं होंगी। डिडक्शन कितनी मिलती है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल SSC को अपने लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, यहाँ पर स्पाउस डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट चलेगा, पर चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी? मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन है। जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह में पे करा है पैसा, उसकी 25,000 की डिडक्शन है। बट अगर फॉर एग्जांपल SSC या उसका स्पाउस वगैरह सीनियर सिटीजन है, तो वो लिमिट 50,000 हो जाती है, ठीक है। अगर जिसका भी हमने इंश्योरेंस कराया है, अगर वो सीनियर सिटीजन है, और आपको पता है सीनियर सिटीजन का बेनिफिट इनकम टैक्स में तभी मिलता है जब वो रेसिडेंट हो, यानी कि वो SSC या फिर जिसका इंश्योरेंस कराया है वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है प्लस रेसिडेंट है, तब 50,000 की लिमिट आ जाएगी, अदरवाइज 25,000 की लिमिट होगी।
तो एक तो अपने स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए 25,000 या 50,000 एज द केस में भी ये इतनी लिमिट, पेरेंट्स के लिए अलग से, पेरेंट्स के लिए अलग से इतनी, तो पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000, बट अगर पेरेंट्स रेसिडेंट हैं, सीनियर सिटीजन है प्लस रेसिडेंट है तो ये लिमिट 50,000 की हो जाती है, यानी कि ये लिमिट टोटल इस दोनों का टोटल मिलाकर भी हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, ना खुद असेसी ना उसके पेरेंट्स नहीं है, तो 25,000 सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, 25,000 पेरेंट्स के लिए, 50,000 मैक्सिमम डिडक्शन हो गई। फॉर एग्जाम्पल असेसी या उसकी वाइफ सीनियर सिटीजन नहीं है बट पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, ये मेजरली केस हो सकता है, तो 25,000 इनकी लिमिट, 50,000 इनकी लिमिट, 75,000 लिमिट हो गई। या फिर अगर असेसी भी सीनियर सिटीजन है उसके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 50,000 1,00,000 तक की लिमिट हो गई, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग इतनी परमोटेशन कॉम्बिनेशन बन सकती है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अब ये सब कॉम्बिनेशन बनाने मत लगेगा, ये जरूरी नहीं है, जरूरी सिर्फ इतना है कि डिडक्शन कितनी मिलेगी। डिडक्शन मिलेगी 25,000, बट हाँ अगर जिसका इंश्योरेंस कराया है या वो सीनियर सिटीजन है और प्लस रेसिडेंट है तो वो लिमिट 25,000 से चेंज होकर 50,000 तक हो जाएगी, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, एचयूएफ असेसी किसी भी मेंबर का कराए 25,000, बट अगर उस मेंबर का कराए वो सीनियर सिटीजन प्लस रेसिडेंट है तो 50,000 हो जाएगी, ठीक है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी 5,000 की लिमिट है, बट 5,000 की लिमिट ओवरऑल है सबकी मिलाकर, सबकी मिलाकर, और वो एक्स्ट्रा लिमिट भी नहीं है, 25,000 या 50,000 से एक्स्ट्रा भी नहीं है, वो इसी लिमिट में इंक्लूडेड होगी, और वो सबकी मिलाकर 5,000 है सबकी। फॉर एग्जाम्पल असेसी ने अपना लिए 5,000 खर्च किए, पेरेंट्स के लिए 5,000 खर्च किए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कैश में अलाउड है, हाँ कैश में तो अलाउड है, बट 5,000 इनके लिए, 5,000 इनके लिए, 10,000 अलाउड हो जाएगा, नहीं, वो सबकी मिलाकर ही 5,000 है, ठीक है, सब लोगों की मिलाकर ही 5,000 है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, मोड ऑफ पेमेंट मैंने आपको बता दिया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सिर्फ कैश में पे हो सकता है, बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह का पैसा तो आप सिर्फ और सिर्फ अदर देन कैश में ही पेमेंट होना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप अपना, पेरेंट्स का, मेंबर्स का भी पे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी सबका पे हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी सबके हो सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर तब होता है अगर इंश्योरेंस ना हो सके सीनियर सिटीजन का मेनली, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, CGHS स्कीम में पैसा डिपॉजिट होता है वो सिर्फ सेल्फ और स्पाउस के लिए हो सकता है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हो सकता है, पेरेंट्स के लिए या HUF के मेंबर्स के लिए वो अलाउड नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, बट फिर भी ये बात एक बार आप कर लीजिएगा। ये वाली बातें आ सकती हैं, और एकदम जनरली जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होती है वो जनरली 1 साल की होती है, यानी कि आप हर साल जब भी जब पेमेंट करेंगे डिडक्शन ले सकते हैं, बट आजकल कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसी आ गई है जो आप 1 साल से ज्यादा के लिए आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल असेसी ने 3 साल के लिए प्रीमियम पे करी, तो क्या होगा फिर उसको आप डिवाइड करिएगा उसके टेन्योर से, डिवाइड करिएगा टेन्योर से, जितना पीरियड आपके वाले प्रीवियस ईयर में फॉलो हो रहा है उसकी प्रोपोर्शनल डिडक्शन लीजिएगा, जितना भी आपने लमसम अमाउंट पे किया डिवाइड करिएगा पीरियड फॉर विच हेल्थ इंश्योरेंस इज इन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने 24 मंथ्स के लिए लिया है, 36 मंथ्स के लिए लिया है, 48 मंथ्स के लिए लिया है, तो उसको उसके हिसाब से डिवाइड करिएगा, और जितना भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने मंथ्स फॉल हो रहे होंगे उसकी डिडक्शन प्रोपोर्शनेटली मिलेगी, सिंपल है, प्रोपोर्शनेट करना है आपको, ठीक है, ये तो कर लेंगे आप, ओके। नेक्स्ट सेक्शन, वैसे तो 80 हमने डी किया था, नेक्स्ट नंबर जो आना चाहिए वो 80DD का आना चाहिए, बट मैंने यहाँ पर 80U और 80DD दोनों को एक साथ ही कवर में कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर सेक्शन है। यहाँ पर जो फ्लैट डिडक्शन है, यहाँ पर फ्लैट डिडक्शन है 75, दोनों ही सेक्शन में फ्लैट डिडक्शन है 75,000 की, और अगर इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी तो फ्लैट डिडक्शन हो जाती है 1,25,000 की। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो यहाँ पे डिडक्शन मिलती है दोनों ही सेक्शन में वो 75,000 है, बट अगर सीवियर डिसेबिलिटी के केस में वो डिडक्शन हो जाती है 1,25,000 की, ठीक है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है, 80U में अगर असेसी खुद डिसेबल है, अगर असेसी खुद डिसेबल है तो 80U की डिडक्शन मिलेगी, 80DD में अगर उसका डिपेंडेंट DD डिसेबल डिपेंडेंट, ऐसे याद कर लीजिएगा DD डिसेबल डिपेंडेंट, तो अगर उसका डिपेंडेंट डिसेबल है, डिपेंडेंट में कौन हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, राइट। तो अगर उसका डिपेंडेंट डिसेबल है तो 80DD में डिडक्शन लेगा, और अगर असेसी खुद डिसेबल है तो वो 80U में डिडक्शन लेगा, ठीक है। और यहाँ पर डिसेबिलिटी का उसको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और रिटर्न के साथ लगाना, वैसे तो आप पेपरलेस रिटर्न है तो बस रिटर्न में उसका इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है कि आपके पास एक मेडिकल प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट है कि असेसी या असेसी का जो डिसेबल डिपेंडेंट है वो फिजिकली डिसेबल है, तो उस केस में उसको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाती है।
ठीक है, पर याद रखिएगा सीवियर डिसेबिलिटी के केस में, सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से 80% और मोर अफेक्टेड, जैसे ब्लाइंडनेस भी डिसेबिलिटी में आती है। तो यहाँ पर जब आप सर्टिफिकेट मिलता है वहां से मेडिकल अथॉरिटी से, तो वहां पर मेंशन होता है कि कितना परसेंट ब्लाइंडनेस है, तो अगर 80% और मोर ब्लाइंडनेस है तो वो सीवियर डिसेबिलिटी आएगा, तो उस केस में 1,25,000 डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, कुछ पॉइंट मेरा छूट गया क्या? एलिजिबल असेसी ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये दोनों ही जो डिडक्शन है सिर्फ रेसिडेंट असेसी को मिलती है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलती। 80U की डिडक्शन अगर खुद असेसी डिसेबल है, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। 80DD की डिडक्शन अगर असेसी का फैमिली मेंबर, ठीक है, यहाँ पर एच यू एफ भी कवर कवर हो जाएगा क्योंकि फैमिली मेंबर की बात होती है, तो यहाँ पर रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एच यू एफ दोनों ही कवर्ड है। ठीक है, ये बातें हो गई हैं। इंडिविजुअल असेसी स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर आ जाएगा, एच यू एफ है तो कोई भी मेंबर ऑफ एच यू एफ आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर अगर हमने खर्चा किया है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, नर्सिंग में, ट्रेनिंग या रिहेबिलिटेशन में खर्चा करा है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल असेसी मेंटली रिटार्डेड है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में खर्चा करा है, तो जितना भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक्सपेंस, यहाँ पर फ्लैट डिडक्शन है 75,000, यानी कि अगर खर्चा 10,000, 15,000, 20,000 भी हुआ हो तो यहाँ पर फ्लैट डिडक्शन 75,000 की मिल जाएगी। ठीक है, सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000 डिडक्शन मिल जाएगी। गेटिंग इट? ठीक है, और इन केस अगर असेसी ने उनके ऊपर कोई एलआईसी पॉलिसी, अभी ये बात हमने आईएफओएस में भी की थी, एक बार मैं रिलेट करा देता हूँ। अगर असेसी ने फॉर एग्जाम्पल उस असेसी का ब्रदर या सिस्टर डिसेबल है, उन्होंने उसके लिए अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी भी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए ली है असेसी को लगता है कि अगर मेरी डेथ हो गई तो ये मेरा ब्रदर है सिस्टर है असेसी का, उसको कौन संभालेगा, तो कोई पॉलिसी ले ली, कोई पॉलिसी ले ली इन केस, तो वो पॉलिसी अगर पैसा खर्च किया है तो भी यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी? फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी 75,000। पॉलिसी का प्रीमियम अगर फॉर एग्जाम्पल 20,000 भी जा रहा है, पर 75,000 की फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी, फ्लैट डिडक्शन है यहाँ पर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई पॉलिसी ले ली और इन केस अगर वो जो डिसेबल व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है, उस डिसेबल व्यक्ति उसकी डेथ हो जाती है और एलआईसी का पैसा मिल जाता है, एलआईसी का पैसा फिर किसको मिलता है? असेसी को मिलता है। वो पैसा फुली टैक्सेबल होता है, वो पैसा फुली टैक्सेबल होता है। तो जनरली देखो, मैंने आईएफएस में क्या बताया था, मैंने आईएफएस में ये बताया था कि अगर असेसी ने कोई प्रीम पॉलिसी ली है और डेथ पर उसको ये पैसे मिलते हैं, अगर डेथ पर पैसे मिलते हैं तो ऐसे पैसे फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, बट उसकी एक्सेप्शन है ये, उसकी एक्सेप्शन है ये जब हम डिसेबल, जब कोई असेसी डिसेबल डिपेंडेंट के लिए पॉलिसी लेता है और अगर वो डिसेबल्ड डिपेंडेंट की डेथ हो गई, वो डिसेबल्ड डिपेंडेंट की डेथ हो गई है, तो जो असेसी को पैसे मिले हैं वो फिर टैक्सेबल हो जाते हैं। तो ये देखो, ये भी डेथ पर पैसे आ रहे हैं, बट एक्चुअली डेथ किसी और की भी पैसे मिल रहे हैं यहाँ पर असेसी को, तो यहाँ पर फिर वो टैक्सेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आईएफओएस की इनकम टैक्सेबल हो जाती है, ये बात मैंने आईएफओएस में भी बताई थी, और फिर मैंने कहा था कि मैं 80DD में ये बातें बताऊंगा, तो इसलिए मैंने ये बात दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन होता है 80DDP। अब ये जो 80D, अब देखो ऐसे याद करो, 80C में जो जो 80C की फैमिली थी, 80C में क्या था? 80C था, CCC था, CCD था, CCH भी आ गया अपने सेक्शन। वहां पर क्या हो रही थी? मेनली इन्वेस्टमेंट हो रही थी, फ्यूचर के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 80C में, 80CC में पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जैसे कि हम फ्यूचर में पैसे मिल जाए हमें। ठीक है, 80CCD में पेंशन स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, फ्यूचर में हमें पैसे मिलेंगे। 80CCH में भी ठीक है पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे, कॉर्पस फंड में, जिसमें बाद में हमें पैसे मिल जाएं, राइट? तो वो 80C की जो फैमिली, अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मत याद करो 80C क्या था, CCC क्या था, इसको प्लीज थोड़ा लॉजिकली समझो। 80C वाली जो फैमिली थी वो वहां पर हम मेनली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो जाए। ठीक है, 80D, 80D को मैं बीमारियों वाले सेक्शंस का वो देता हूँ कैटेगरी। क्यों? 80D में मेडिकल ट्रीटमेंट की, सॉरी, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की बातें हुई, मेडिकल ट्रीटमेंट की बातें हुई। 80DD में डिसेबिलिटी की बातें हुई, ठीक है, 80DDB में डिजीज की बातें हो जाएंगी। तो 80D का कैसा नेचर हुआ? ये तो बीमारों वाला नेचर है। तो 80D की जो फैमिली है, 80D, DD, DDB, ये सब बीमारों की फैमिली है, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, 80E वाली जो फैमिली आएगी वहां पर बताऊंगा, मेरे लिए इंटरेस्ट पे करने पर, अगर कोई लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे करना है, 80E उसके लिए आता है। तो प्लीज इसको लॉजिकली इस तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीज, प्रिस्क्राइब डिजीज मतलब कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, एचआईवी एक्सेट्रा। तो अगर 80DDB की डिडक्शन मिल जाएगी रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचएफ को,
जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्दी जुकाम बुखार है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए अगर मेनली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है ये कैंसर ट्यूबरक्लोसिस एचआईवी एक्सेट्रा, तो जितना भी एक्सपेंसेस करा है एसएससी ने उसकी डिडक्शन मिल जाती है, बट 40,000 रुपीस विच एवर इज लोअर, जितना भी खर्चा किया है 40,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल खर्चा किया 50,000 रुपीस और 40,000 रुपीस विच एवर इज लोअर कितना आया 40,000, तो 40,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो पहले तो विच एवर इज लोअर निकाल लीजिए। इनकेस अगर हमारा इंश्योरेंस कंपनी से कुछ क्लेम मिल जाता है तो उसको माइनस करना है, तो पहले तो विच एवर इज लोअर निकाल लीजिएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल 15,000 का हमें वहां से क्लेम रिसीव हो जाता है, तो 15,000 फिर माइनस कर दीजिएगा तो आपका नेट 25,000 की डिडक्शन मिलेगी। सब लोग समझ गए? अब ऐसा नहीं है जितना मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ माइनस इंश्योरेंस करिएगा, नहीं, पहले क्या करिएगा, जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट में एक्सपेंसेस हुए या 40,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, ठीक है, जो भी लोअर है पहले वो निकालिएगा, उस लोअर में से माइनस कीजिएगा। अगर कुछ भी पैसा इंश्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कराया हुआ था, वहां से इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो माइनस कर दीजिएगा, तो जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट जाएगा वो डिडक्शन आपको 80DDB में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें बस एक छोटी सी बात यह है कि आपको जो लिमिट लेनी है वो लेनी है 40,000 रुपीस, ठीक है, 40,000 रुपीस, बट अगर एसएससी सीनियर सिटीजन है प्लस रेसिडेंट है तो लिमिट कितनी हो जाएगी 1,00,000, फिर 40,000 नहीं लेना है, फिर 1,00,000 लेना है। तो जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा हुआ और 1,00,000 विच एवर इज लोअर, और जो भी लोअर आएगा उसमें से जितना भी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ वो माइनस करने के बाद ही हमें डिडक्शन मिलनी है, ठीक है। और डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर एसएससी खुद बीमार है या फिर एसएससी के फैमिली मेंबर में स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, वो लोग होली और मेनली डिपेंडेंट थे एसएससी के ऊपर, ठीक है। तो ये थी बीमारों वाली फैमिली 80D, 80DD और DDB। अब नेक्स्ट आते हैं 80E की फैमिली पर। 80E होता है अगर हम मेनली यहाँ पर लोन ले रहे हैं, 80E, EE, EA, EB वगैरह, ये सब हम जो सेक्शंस देखते हैं, इसमें 4 सेक्शंस आते हैं मेनली। तो ये जो सेक्शंस है ये मेनली है कि हमने लोन लिया उसको हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 80E की फैमिली ऐसे याद कीजिए, इंटरेस्ट पे करने की फैमिली हो रही है, तो जितना हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी हमें डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। 80E की होती है एजुकेशन लोन के लिए, अगर हायर एजुकेशन का मतलब है 12th के बाद कोई भी एजुकेशन, 12th के बाद जो एजुकेशन होती है उसको हम हायर एजुकेशन बोलते हैं। तो अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया गया, ठीक है, इंडिविजुअल ने लोन लिया है, ठीक है, तो उसका जो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इसमें एक बात याद कर लीजिएगा, जितना इंटरेस्ट होता है, जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी, बट ये मैक्सिमम जब से हम इंटरेस्ट पे करना शुरू करते हैं, वहां से टोटल 8 साल तक ये मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है, 8 साल के बियॉन्ड नहीं मिलेगी। वैसे भी एजुकेशन लोन मेनली 5-6 साल 8 साल तक के लिए होते हैं मैक्सिमम, बट अगर फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लोन ज्यादा ईयर के लिए भी हो, तो जिस साल से आपने लोन लिया, जिस साल से आपने EMI पे करना शुरू किया, जिस टाइम से आपने इसका EMI पे करना शुरू करा है, इसकी किश्त यानी कि EMI बोलते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जब से आपने पे करना शुरू किया है वहां से आप 8 साल तक इसकी डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। लोन आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं या कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, होते हैं जैसे कुछ NGOs होती हैं वो हेल्प करती हैं एजुकेशन में, आप वहां से भी लोन ले सकते हैं। किसके लिए लोन लिया है, खुद के लिए लोन ले सकते हैं, स्पाउस के लिए ले सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए ले सकते हैं, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके लिए आपने लीगली अडॉप्ट किया है उसको आपने, कि उसके एजुकेशन के लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लीगली, तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर लोन मिल सकता है, उसकी आप डिडक्शन किस चीज़ की, जो लोन का अमाउंट पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पोर्शन, ठीक है, इंटरेस्ट पोर्शन अलाउड है मैक्सिमम 8 साल से। 8 साल कहाँ से शुरू करने हैं, जहाँ से लोन लिया है या जहाँ से EMI पे करने शुरू करें, जहाँ से आपने EMI पे करने शुरू है, इंक्लूडिंग दैट ईयर, टोटल 8 ईयर्स तक आप ले सकते हैं लोन, कोई भी 8 ईयर्स होंगे, 8 ईयर फिर वहाँ से कंसेक्यूटिव, 8 ईयर वहाँ से कंसेक्यूटिव, राइट। 80EE, अच्छा भैया जितने भी सेक्शन से 80D की हमने फैमिली पढ़ी, 80E की फैमिली पढ़ रहे हैं, ये न्यू टैक्स रिजीम में तो है ही नहीं, ठीक है, ये सब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में ही है। 80EE अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये रिप्लेस तो नहीं, मतलब एक तरीके से ये सेक्शन थोड़ा पुराना हो गया है, ठीक है। अब 80EE वैसे तो दोनों ही सेक्शन अब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे हैं, जब ये आए थे सेक्शन उसी समय इंपॉर्टेंट थे, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी अभी इररिलेवेंट नहीं है सेक्शन, रिलेवेंट आज भी है, क्योंकि हो सकता है कि लोन एसएससी ने पहले लिया हो, उसकी उसको रिडक्शन मिल रही हो और वो उसका इंटरेस्ट अभी भी पे कर रहा हो, इसलिए उसको ये रिडक्शन यहाँ पर मिल रही है, ओके। 80EE क्या कहते हैं, 80EE और EE दोनों ही ऐसे लोगों के लिए जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, जो पहली बार अपने लिए घर खरीद रहे हैं, उन लोगों को ये रिडक्शन मिलती है,
ठीक है, न्यू स्कीम में तो अलाउड नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में अलाउड है। पहले एटी डबल ई देख लेते हैं, ठीक है। अगर एटी डबल ई, अगर यहाँ पर असेसी ने अपने लिए घर खरीद रहा है तो उसके लिए वो डिडक्शन अलाउड हो जाती है, अगर उसने लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यहाँ पर एनबीएफसी से। अगर उसने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया है, एटी डबल ई में अलाउड नहीं होता, एटी ई ए में अलाउड नहीं होता है, तो एनबीएफसी यहाँ पर कवर्ड नहीं है। अब मैं एनबीएफसी में इतने पैसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसके बाद जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं एटी ई ई बी, जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आपने लोन लिया है, वहां पर एनबीएफसी भी अलाउड होता है कि वहां पर एनबीएफसी से भी लोन ले लिया हो तो भी चलता है, बट यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया हो तभी चलेगा, एनबीएफसी से लिया है तो नहीं चलेगा। ओके, यहां पर कंडीशंस क्या होती थी एटी डबल ई में, जो आपका जो घर है वो 50 लाख रुपीज से ज्यादा की वैल्यू का नहीं होना चाहिए, जो आपने लोन लिया है वो 35 लाख से ज्यादा की वैल्यू का नहीं होना चाहिए, और आपका लोन सेंक्शन होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर 16-17 में, प्रीवियस ईयर 16-17 में। इसलिए मैंने कहा ये अब सेक्शन थोड़ा सा एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं गया, क्योंकि लोन सेक्शन होना चाहिए अगर 16-17 में लोन सेंक्शन हुआ था, ठीक है, हो सकता है लोन अभी भी चल रहा हो, इसलिए प्रैक्टिकली तो सेक्शन वैसे तो रिलेवेंट है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अभी हम कर ही लेते हैं, बहुत ईजी सा सेक्शन है। ये कहते हैं कि लोन अगर इस ईयर में सेंक्शन हुआ, प्रीवियस ईयर 16-17 में अगर सेंक्शन हुआ है, तब आपको ये अलाउड होगा। कितना मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं, जिस किसकी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की डिडक्शन 50,000 की आप मैक्सिमम ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, सर हम तो 24B में ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके होंगे 2 लाख की, ठीक है। अगर ये तब आया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल असेसी 2 लाख से भी ज्यादा का इंटरेस्ट पे कर रहा है, 2 लाख से, देखो फर्स्ट टाइम होम बायर है तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली सेल्फ ऑक्यूपाइड ही होगा, वैसे नहीं पहली बार घर खरीद रहे हैं और उसी को किराए पर दे रहे हैं, मेनली सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए ही होगा ज्यादा, पर ऐसा हो सकता है, बट फिर भी मेनली सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए होगा प्रैक्टिकली। तो हो सकता है वो 24B में भी 2 लाख की डिडक्शन ले रहा हो, तो क्या उसको डिडक्शन यहाँ पर भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा? देखो अगर उसका फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ही 1,80,000 है, लेट्स से 180 मैंने रैंडम अमाउंट ले लिया, तो उसको पूरे का पूरा इंटरेस्ट की डिडक्शन 24B में मिल गई, फिर वो यहाँ पर नहीं आएगा। अगर उसकी इंटरेस्ट ही उसका 2 लाख है, उसको पूरी की पूरी डिडक्शन 24B में मिल गई ऑप्शनल टैक्स रेजिम में ऑब्वियसली, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। वो इस सेक्शन में तब आएगा जब उसका इंटरेस्ट ज्यादा पे हो रहा हो, अगर उसका इंटरेस्ट 2,10,000 हो रहा है तो उसकी मैक्सिमम 24B में 2 लाख मिली, 10,000 की उसकी बच गई, 10,000 की वो यहाँ पर ले सकता है। अगर वो इंटरेस्ट 2,50,000 पे कर रहा हो, ठीक है, 2 लाख की वहां मिल जाएगी, 50,000 की यहाँ पर मिल जाएगी। अगर उसका 2,60,000 का इंटरेस्ट पे हो रहा हो, 2 लाख की वहां पर मिलेगी 24B में, और यहाँ पर बाकी बचे 60,000 में से 50,000 की मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिडक्शन ही मैक्सिमम 50,000 की होती है। देखो साफ साफ लिखा है दिस इज ओवर एंड अबाउट द डिडक्शन ऑफ 24B से के अलावा ये डिडक्शन है, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट आपने पे किया, अगर आपने डिडक्शन 24B में मिल गई वहां पे ले लीजिए, बट अगर आप 24B में पूरी डिडक्शन नहीं ले पाए, आपका इंटरेस्ट ज्यादा था, तो आप फिर यहाँ पर भी आ सकते हैं, बट मैक्सिमम 50,000 तक। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ही सेक्शन है, बस थोड़ा बहुत वैल्यू वगैरह का फर्क है यहाँ पर, अदरवाइज ऑलमोस्ट सिमिलर सेक्शन है 80EEAB, ठीक है। यहाँ पर भी असेसी ने फर्स्ट टाइम होम बाय किया है और उसने लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर एनबीएफसी से लिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक वगैरह से लोन लिया हो, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन ये है कि स्टैम्प वैल्यू उस घर की 45 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। वहां पर दो वैल्यू थी, एक तो वैल्यू ऑफ द हाउस 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज बोली, स्टैम्प वैल्यू उस घर की 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लोन सेंक्शन हुआ हो बिटवीन दिस पीरियड 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में अगर कोई लोन सेंक्शन हुआ था, यानी कि एसएससी ने इस टाइम कोई लोन लिया था बट उसका इंटरेस्ट, इसकी ईएमआई अभी भी वो पे कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 23-24 में भी पे कर सकता है, तो उसको 80EEA की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, उसको ईए की डिडक्शन मिल जाएगी, बट मैक्सिमम डिडक्शन वो मिलती है 1,50,000 की। यहाँ पर आपको ज़्यादा डिडक्शन मिल रही है 1,50,000 की, और वो भी 24B की भी डिडक्शन मिलेगी, उसको ये भी डिडक्शन मिल जाएगी, बट वो भी कब मिलेगी, जब उसका ज़्यादा इंटरेस्ट पे हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल उसका 3 लाख का इंटरेस्ट पे हो रहा है, ठीक है, और उसने इस पीरियड के बीच में उसका लोन सेंक्शन हुआ था, तो 2 लाख की डिडक्शन उसको वहाँ पे मिल जाएगी ऑप्शनल टैक्स रेजिम में, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रेजिम में मिलती है, और बाकी की 1 लाख की यहाँ पर मिल जाएगी। अगर उसने 4 लाख का इंटरेस्ट अगर पे हो रहा है, तो 2 लाख का इंटरेस्ट की डिडक्शन वो 24B में ले लेगा, और यहाँ पर 80EEA में जो बाकी के 2 लाख है पूरी नहीं ले पाएगा, मैक्सिमम कितनी ले पाएगा 1,50,000 की, ठीक है, उसको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, ईए समझ के।
अब ई बी है, ये इन दोनों सेक्शन से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 ई बी ये होता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर कोई भी हो सकता है, 80 ई बी की रिडक्शन मिलेगी। ऑब्वियसली न्यू टैक्स रिजीम को तो नहीं मिल रही है, सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम को ही मिलेगी। एलिजिबल एसएससी अगर आपने यहाँ पर लोन लिया हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंक्लूडिंग एनबीएफसी से भी लोन अगर लिया है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया लोन, लोन बैंक या एनबीएफसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस सेक्शन इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल, इट इज नॉट फॉर एचयूएफ फर्म एटसेट्रा, इनको नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी को ये सेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपने पर्सनल पर्पज के लिए भी मिला है तो भी आपको अलाउड है, अगर आपने अपने बिजनेस पर्पज के लिए मिला है तो भी आपका ये इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। बट अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसको अपने बिजनेस पर्पज के लिए लोन लिया, अब देखो मॉन फॉर एग्जांपल आपने कार ले ली, आपने कोई ई व्हीकल ले लिया, लेट्स से टाटा नेक्सॉन खरीद ली आपने, इलेक्ट्रिक वाली टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वाली खरीद ली अपने बिजनेस पर्पज के लिए, आपने लोन लिया, अब उसका जो इंटरेस्ट होगा, उसकी इंटरेस्ट तो आप ऑलरेडी अंडर सेक्शन 36 क्लेम कर रहे होंगे, याद आता है सेक्शन 36 पीजीबीपी का, जहां पर आप इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग क्लेम करते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस रिलेटेड लोन लिया है और ये आपने कार अपने बिजनेस के लिए ली थी, तो आपने सेक्शन 36 पे डिडक्शन क्लेम कर रहे होंगे। तो अगर आप इसको किसी और सेक्शन में क्लेम कर रहे हैं, फिर आप 80 ईईबी में नहीं आ सकते, राइट? क्योंकि अगर आपने अपने बिजनेस पर्पज के लिए वो कार ली है या कोई भी व्हीकल लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अगर आपने सेक्शन 36 में इसकी डिडक्शन क्लेम कर ली थी, फिर आप 80 ईईबी में नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जिसकी रिडक्शन आपने कहीं और नहीं ली, जैसे आपने पर्सनल व्हीकल लिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी पर्सनल कार खरीद लेता हूँ, ई व्हीकल खरीद लेता हूँ पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसकी रिडक्शन में कहीं नहीं ले सकता, उसकी रिडक्शन मैं यहाँ पर 80 ईबी में ले पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 150,000 की, लोन लिया हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंक्लूडिंग एनबीएफसी से भी लिया हो तो भी अलाउड होता है, ठीक है। हाँ, इसमें डेट क्या है, लोन सेंक्शन हुआ इस डेट के बीच में, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक अगर आपका लोन सेंक्शन हुआ है तब आप अलाउड है। अगर इसके बाद लोन सेंक्शन हुआ है फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है लोन तो सेंक्शन इस टाइम हुआ हो बट उसका इंटरेस्ट अभी भी पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5-6-7 साल का लोन था तो उसका इंटरेस्ट अभी भी हमारा प्रीवियस ईयर में एसएससी पे कर रहा है, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। बट लोन सेंक्शन इस टाइम पर हुआ, दिस वॉज 80E, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 80G। 80G होता है डोनेशंस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिस इज अलाउड टू ऑल टाइप्स ऑफ एसएससी, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी, बीओआई, इवन पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो। बिकॉज देखिए लॉजिक देखिए, यहाँ पर हो रहे डोनेशंस और मेनली ज़्यादातर डोनेशंस हो रही हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, तो गवर्नमेंट चाहती है कि डोनेशंस तो कोई भी एसएससी पे कर सकता है, तो दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ एसएससी, ठीक है। बट ये अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है तो उनको तभी मिलेगी अगर वो ऑप्शनल टैक्स स्कीम ले रहे हैं। अगर वो न्यू टैक्स स्कीम ले रहे हैं तो डिडक्शन उनके लिए 80G की नहीं है। बट ये जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनके लिए तो न्यू और ओल्ड स्कीम कुछ होता नहीं है, ठीक है, उनके तो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स होता है, तो उनको तो अलाउड हो जाएगा 80G, ठीक है, 80G समझ गए, डोनेशंस टू सर्टन फंड्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें जितना भी हम अमाउंट डोनेट करते हैं, हमें ये डोनेशंस कहाँ पर करनी है, अमाउंट कंट्रीब्यूट कहाँ पर करना है, और हमें उस जगह से कितनी डिडक्शंस मिल सकती है। तो इस पार्ट इसको ना 80G को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। अगर आप पार्ट 1 में, यहाँ पर कुछ जगह है, अगर आप यहाँ पर डोनेशंस देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो 100% जितना भी आपने डोनेशंस दी है उसका 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो इसकी एक लिस्ट है 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड की, चलिए पहले लिस्ट ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। इजी लिस्ट होती है, एक दो बार सिर्फ आपको ये याद नहीं करनी लिस्ट को, हाँ बस 2-3 बार आपको ये रीड आउट कर लेनी चाहिए कि जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका ये जो क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर जगह दी हुई है जहाँ पर एसएससी ने डोनेशन दी है, क्या वो 100% डिडक्शन उसको मिल रही है या नहीं मिलेगी। फर्स्ट इज ज़्यादातर आप देखिए नेशनल वर्ड बहुत यूज होगा यहाँ पर, तो अगर आप इस जगह पर पार्ट वन वाली जगह पर पैसे देते हैं तो 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड। नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीका फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, CM Earthquake Relief Fund, fund set up by central state government of Gujarat for providing relief to Gujarat earthquake victims, Zila Saksharta Samiti, National Blood Transfusion Council, state government fund for medical relief to the poor,
आर्मी नेवी एयरफोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड, स्वच्छ भारत। मैं सब ये रीड इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक हो जाए कि इन जगह पर अगर हम डोनेशन देंगे तो 100% रिडक्शन मिल रही है। नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज और पीएम केयर्स फंड जो कोविड के टाइम पर बनाया गया था। ओके okay. तो अगर आप इन सब जगह पर, ये जो पूरी लिस्ट है, अगर यहाँ पर हम डोनेशन देता है एसएससी, तो जितना भी वो डोनेशन देता है और 100% ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, उसको डिडक्शन मिल जाएगी 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड, राइट। पार्ट टू में 50% ऑफ अमाउंट डोनेटेड, अगर यहाँ पर आप डिडक्शन डोनेशन देते हैं तो 50% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड। तो यहाँ पर पहले क्या होते थे, जवाहरलाल नेहरू फंड वगैरह होता था, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो सब डिलीट हो गए यहाँ से, वो सब डिलीट हो गए। अब यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ है सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। तो पहले यहाँ पर 50% वाले केसेस में पहले यहाँ पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी फंड, जवाहरलाल नेहरू फंड, चिल्ड्रन फंड वगैरह होते थे, बट वो यहाँ से अब डिलीट हो गए हैं, अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है। और आप समझ सकते हैं कि डिलीट वो क्यों कर दिए होंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट अब है नहीं, तो अब वो वैसे ही फंड्स वो बेकार पड़े थे, वहां पर कोई डोनेशन करता भी नहीं था, तो उसको वहां से डिलीट कर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड ही रह गया यहाँ पर। तो पार्ट टू में अब सिर्फ एक ही फंड रह गया, तो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में, ठीक है। देखो हमने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ, जहां पर अभी वर्ड नेशनल आ जाए इसको ऐसे याद कीजिएगा, जहां पर भी वर्ड नेशनल आ जाए उसको पार्ट वन में लेना है, जितना भी पैसा दिया 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड। पार्ट टू में अब सिर्फ एक ही रह गया, बहुत आसान रह गया याद करना, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इसको याद कर लीजिएगा बस। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में पैसा दिया तो 50% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड मिल जाएगा। अब ये पार्ट थ्री और पार्ट फोर क्या है? पार्ट थ्री में कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप डोनेशन देंगे तो 100% ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड आपको डिडक्शन मिल जाएगी, बट यहां पर हम एक और लिमिट लगाएंगे, यहां पर हम एक और लिमिट लगाएंगे, क्वालिफाइंग लिमिट, 100% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लोअर। यानी कि सिंपल शब्दों में इसको हमें ये ऐसा बोल सकते हो, अगर हमने पार्ट थ्री में यहाँ पर कोई डोनेशंस दिए, पहले पार्ट थ्री में देख लेते हैं कौन कौन सी जगह पर हम डोनेशंस दे सकते हैं। पार्ट थ्री में लिखा हुआ है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा, फैमिली प्लानिंग के वर्ड से याद रखिएगा, ठीक है। कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, यहाँ पर हम पैसे दे सकते हैं, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। देखो नेशनल स्पोर्ट्स फंड आया था वो फर्स्ट में कवर्ड है, वहां तो 100%, यहाँ आया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। और दूसरी बात, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में आपको ये याद रखनी है कि ये डिडक्शन सिर्फ तभी मिलती है अगर कंपनी एसएससी ने पैसे दिए, अगर इंडिविजुअल वगैरह ने पैसे दिए तो वो यहाँ पर कवर्ड नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ कंपनी एसएससी ही होगा। तो मेनली सी इंटरमीडिएट के लिए फर्स्ट वाला ही इंपॉर्टेंट रह जाता है, फैमिली प्लानिंग वाला, तो ये 100% में आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने वहां पर 5 लाख रुपीज के पैसे दिए, जो फैमिली प्लानिंग वाला इंस्टीट्यूशन है वहां पर हमने 5 लाख रुपीज दिए, तो 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड 5 लाख रुपीज। और आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्वालिफाइंग लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्वालिफाइंग लिमिट का 100%, लेट्स से क्वालिफाइंग लिमिट आती है 4 लाख, तो 4 लाख का 100% क्या हुआ, 4 लाख, विच एवर इज लोअर, तो 4 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि हमने फर्स्ट में अगर दिया होता, फर्स्ट ये जो इतने सारे हमने लिस्ट पड़ी थी वहां पर दिया होता, तो अगर हमने 5 लाख 6 लाख जितना भी दिया उसकी 100% मिल जाती है, बट यहाँ पर एक हमारी लिमिट भी होती है 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड, जितना भी हमने पैसा दिया उसका 100%, और 100% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट, 100% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लोअर। अभी क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान होता है। क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब होता है 10% ऑफ योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ऐसे याद कर सकते हैं आप। देखो याद करने के लिए तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 10%, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। इसका लॉजिक समझिए कि यहाँ पर इनकम टैक्स ये कह रहा है कि जितना भी एसएससी पैसे अर्न कर रहा है, जितना भी एसएससी पैसे अर्न कर रहा है उसका 10% ही वो पैसा डोनेट कर सकता है, उसका 10% ही कर सकता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, उसके जो एडजस्टेड जीटीआई है, जो उसका ग्रॉस टोटल इनकम है, उसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं जीटीआई में, उसका 10%। तो एडजस्टेड जीटीआई का 10% बन जाती है हमारी क्वालिफाइंग लिमिट। तो जितनी भी हमारी क्वालिफाइंग लिमिट, फॉर एग्जांपल अगर एसएससी का जो जीटीआई आया, हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टेड जीटीआई उसका 40 लाख आया, तो क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बन जाएगी उसका, इसका 10%, इसका 10% क्वालिफाइंग लिमिट बन जाएगी, तो क्वालिफाइंग लिमिट हो जाती है इसकी 4 लाख। तो क्वालिफाइंग लिमिट का 100% मतलब 4 लाख का 100%, क्लियर हो गया। मतलब कुल मिला के मैं इसको 100% हटा भी सकता था,
मैं सिर्फ क्वालिफाइंग लिमिट भी लिख सकता हूँ तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। मैंने 100% इसलिए लिख दिया, थोड़ा सा ईजी हो जाता है याद करना, 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड और 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। दोबारा पूछ रहा हूँ, क्वालिफाइंग लिमिट कैसे आएगी? क्वालिफाइंग लिमिट होती है हमारी 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, एडजस्टेड जीटीआई का 10%, जो भी मतलब कुल मिला के भी एक मिनट के लिए एडजस्टेड वर्ड साइड में रख दो तो जीटीआई का 10%, जीटीआई का 10% हमारी क्वालिफाइंग लिमिट होती है। अब ये एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेंगे? जो भी हमारी जीटीआई आएगी उसमें से हम माइनस करते हैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 111A और हमने जितनी भी डिडक्शंस फ्रॉम 80C से लेकर 80U तक ली हैं वो माइनस करते हैं एक्सेप्ट 80G। तो हमारी ये जो क्वालिफाइंग लिमिट आती है, अगर आप इस पेज पर आएंगे, पेज नंबर 10.14 पर, यहाँ पर देखिएगा मैंने क्वालिफाइंग लिमिट के बारे में कैसे लिखा हुआ है। क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब होता है आपके जीटीआई का 10%, इनफैक्ट अपने एडजस्टेड जीटीआई का 10%। एडजस्टेड जीटीआई कैसे आता है? जीटीआई को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। कैसे एडजस्ट कीजिए? उसमें से लेस कीजिए 111A, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी शेयर से इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स पाया होगा वो माइनस कीजिए। और क्या माइनस कीजिएगा? LTCG 112 वाला भी और 112A वाला भी, जो शेयर्स वाला भी है वो भी माइनस कर दीजिएगा। और ऑल डिडक्शंस फ्रॉम 80C से 80U एक्सेप्ट 80G, तो आप 80C से लेकर 80U तक जितनी भी डिडक्शंस ऐसे से ले रहा है वो माइनस कीजिएगा एक्सेप्ट 80G। तो मैं ये ऐसा ही बोल सकता हूँ कि 80G को सबसे एंड में निकालना है हमें, ठीक है? तो जितनी भी डिडक्शंस 80C से लेकर 80U तक ले रहा है एक्सेप्ट 80G, ये माइनस कीजिएगा। इसको बोलते हैं एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई जो भी आ जाए, क्या वो क्वालिफाइंग लिमिट होती है? नहीं, उसका 10% क्वालिफाइंग लिमिट होती है। तो उसका 10% ले लीजिएगा, वो होती है क्वालिफाइंग लिमिट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है थर्ड में, ठीक है? अच्छा पहले बताओ, मुझे बताओ फर्स्ट में कौन से लोग आए थे? सर वो जो पूरी लिस्ट है वो लोग आते थे। सेकंड में अब सिर्फ एक ही रह गया, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। थर्ड में आते हैं दो लोग, वैसे हमारे लिए मेनली एक ही इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग वाली एसोसिएशन। दूसरा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वो सिर्फ कंपनी एसएससी को मिलती है। तो जितना भी पैसा हमने 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड और 100% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट। अब लेट से अब इमेजिन कर लीजिए कि आपने इस जगह पर जो थर्ड वाली जगह है वो फैमिली प्लानिंग वाली जगह पर, फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख रुपए पे किए, 3 लाख पे किए और आपकी जो क्वालिफाइंग लिमिट आपने निकाली एडजस्टेड जीटीए का 10%, वो फॉर एग्जांपल आ गई 4 लाख, वो एग्जांपल फॉर एग्जांपल 4 लाख, ठीक है? तो आपने पैसे कितने पे किए फैमिली प्लानिंग वाली जगह पर? 3 लाख। और 100% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट 4 लाख, विच एवर इज लोअर, कितना आ गया? 3 लाख की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। यानी कि जितना भी पैसा आपने दिया उसकी डिडक्शन मिल गई, क्योंकि क्वालिफाइंग लिमिट आपकी ज्यादा थी, ठीक? क्वालिफाइंग लिमिट आ गई 4 लाख, तो यहाँ पर आपको 3 लाख की डिडक्शन मिल गई। अब क्या होगा जब आप पार्ट 4 में निकालेंगे? फॉर एग्जांपल एसएससी ने ऐसी जगह पर पैसे दिए, उसने पार्ट 3 में भी जगह पर पैसे दिए और पार्ट 4 में भी पैसे दिए। अब पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है? पार्ट 4 में मिलता है 50% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड और 50% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या कंफ्यूज, क्या एक सिली मिस्टेक कर देते हैं, वो जो भी क्वालिफाइंग लिमिट आती है उसका 50% निकाल देते हैं, ठीक है? जो भी क्वालिफाइंग लिमिट आएगी उसका 50% निकाल देंगे और क्या बोलेंगे? 2 लाख रुपीज। बट प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है 50% ऑफ रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट। रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब होता है आपकी 4 लाख की क्वालिफाइंग लिमिट थी जब आपने निकाली थी, उसमें से 3 लाख की लिमिट तो आपकी यहां पर एडजस्ट हो गई थी ना, ऑलरेडी यूज हो चुकी थी पार्ट 3 में। देखो दोबारा से एक बार दोबारा बता रहा हूं, आपकी जो एडजस्टेड जीटीआई आया, आपकी एडजस्टेड जीटीआई आया लेट से 40 लाख, 40 लाख का एडजस्टेड जीटीआई आया, इसका क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो इसका 10% निकाल दिया तो हमारे पास क्वालिफाइंग लिमिट आ गई 4 लाख, ठीक है? अब क्वालिफाइंग लिमिट कहां कहां पर यूज होती है? पार्ट 3 में और पार्ट 4 में। अब सबसे पहले पार्ट 3 वाले पर आइए कि क्या आपने कुछ ऐसी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन वगैरह में पैसे दिए तो पता चला हाँ सर हमने वहां पर 3 लाख रुपीज दिए हैं। तो अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड, जितना भी पैसे दिया उसका 100%, 3 लाख दिए, 3 लाख का 100% दैट इज 3 लाख, 3 लाख, ओके। और क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाइंग लिमिट का 100%, मतलब क्वालिफाइंग लिमिट कितना? 4 लाख, विच एवर इज लोअर, तो 3 लाख आपके यहां पर डिडक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब आप इस क्वालिफाइंग लिमिट में से ऑलरेडी 3 लाख को यूज कर चुके हैं, ठीक है? 3 लाख को यूज कर चुके हैं, इसका मतलब आपकी जो रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट बची है वो सिर्फ 1 लाख की बची है। अब अगर एसएससी ने इस 4th जगह पर भी पैसे दिए हैं तो यहां पर जो जितने भी उसने पैसे दिए उसका 50% लेना और 50% ऑफ रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% ऑफ रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट
और रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट अब आपकी 1 लाख आई। क्वालिफाइंग लिमिट आपकी 4 थी, बट वो जितना थर्ड में यूज हो चुका था उसको माइनस करने के बाद जो अगर आपकी रिमेनिंग बचती है उसका आप लीजिएगा ऑफ 50%। तो 1 लाख का 50% 50,000, और जो भी अमाउंट डोनेट करा है उसका 50%, विच एवर इज लोअर उसकी डिडक्शन बन जाएगी। ये बात समझ गए, ये बात इंपॉर्टेंट है, 50% ऑफ रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट। तो फोर्थ जगह में आप जब पैसे देंगे तो जितना भी अमाउंट पैसे दें या रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट का 50% विच एवर इज लोअर इसकी डिडक्शन मिलेगी। अब फोर्थ जगह कौन सी है, मेनली जो भी जगह अप्रूव्ड होती हैं बाय कमिश्नर या चीफ कमिश्नर अंडर सेक्शन 80G, वो जगह होती है। जैसे बहुत सारी NGOs वगैरह होती है, यहाँ पर आप पैसा दें तो डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। किसी नोटिफाइड टेम्पल, मॉस, गुरुद्वारा, चर्च की रिनोवेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, रिनोवेशन के लिए अगर हम पैसा दें तो उसके लिए डिडक्शन वगैरह मिल जाती है फोर्थ में। तो फोर्थ में लिखा हुआ है किसी एनी इंस्टीट्यूशन फंड और चैरिटेबल पर्पज सर्टिफाइड अंडर 80G। जो बाकी जगह बच जाती है जो मेनली NGOs वगैरह होते हैं, जैसे पतंजलि हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन हो गई, इस जगह पर अगर आप पैसा दें तो वो फोर्थ वाले पार्ट में आता है। या अप्रूव्ड कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, या फिर रिनोवेशन या रिपेयर। कंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पर, हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो ऑलरेडी कुछ नोटिफाइड मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हैं उनकी रिनोवेशन या रिपेयर के लिए अगर आप पैसे दे रहे हैं, बट दैट टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च शुड बी नोटिफाइड, तो यहाँ पर आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। कितना यहाँ पर कितना मिलेगा, 50% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड, जितना भी आपने पैसे यहाँ पर पे करा 50%, और 50% ऑफ रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब ये होता है जितनी भी हमारी क्वालिफाइंग लिमिट थी उसमें से अगर हम पार्ट थ्री में डिडक्शन ले चुके हैं उसको माइनस करने के बाद रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट बचेगी। अगर हमारी पूरी की पूरी क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ पर ही यूज हो गई थी तो यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट हो जाएगी आपकी जीरो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जितनी भी क्वालिफाइंग लिमिट थी वो पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, मान लेते हैं कि आपकी क्वालिफाइंग लिमिट आती है 4 लाख रुपीज, ठीक है। अब असेसी ने इस जगह पर पार्ट थ्री वाले जो फैमिली प्लानिंग वाली एसोसिएशन थी वहां पर फॉर एग्जांपल असेसी ने 5 लाख रुपए दे दिए, तो 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड 5 लाख, 100% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट हमारी 4 लाख आ रही है, विच एवर इज लोअर 4 लाख, यानी कि क्वालिफाइंग लिमिट उसकी पूरी की पूरी यहां पर एग्जॉस्ट हो गई। यहां पर रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बची, जीरो, क्योंकि 4 लाख की क्वालिफाइंग लिमिट थी ऑलरेडी, वो 4 लाख की डिडक्शन ले चुका है थर्ड में, तो यहां पर आएगा जीरो का 50%, जीरो ऑब्वियसली, तो विच एवर इज लोअर जब आप यहाँ पर निकालेंगे तो वो जीरो ही आएगा, इसलिए आप डिडक्शन आपको फिर नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपकी पूरी पूरी रिमेनिंग क्वालिफाइंग लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो 80G इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, मुझे बताइए कंपनी एसएससी और एचएफ और कंपनी एसएससी और पार्टनरशिप फर्म को तो मिल ही जाएगा, उनके लिए तो न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम कुछ होता नहीं है, उनको तो मिल ही जाएगा, बट इंडिविजुअल एचयूएफ, एओबी, बीयूआई, एजेपी को तब मिलेगा जब वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे होंगे, न्यू टैक्स रिजीम में 80G नहीं मिलता है, ठीक है। और एक सेक्शन आता है फिर 80GG, 80GG होता है अगर एसएससी, ऑब्वियसली ऑप्शनल टैक्स रिजीम के लिए, न्यू टैक्स रिजीम के तो है नहीं, अगर एसएससी, यहाँ पर इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलती है अगर इंडिविजुअल अपना रेंट पे कर रहा है, ठीक है, जिस घर में वो रहता है अगर उसको रेंट पे कर रहा है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड उसको एचआरए ना मिलता हो। अगर उसको एचआरए मिलता है तो फिर ये डिडक्शन नहीं है, अगर उसको एचआरए नहीं मिलता है तो ये डिडक्शन उसको मिल जाएगी। तो जितना भी वो रेंट पे करता है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिट्स, क्या क्या लिमिट है वो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5,000 रुपीज पर मंथ है, अगर पूरे साल का उसने रेंट पे करा है तो 5,000 × 12 कर दीजिए, अगर उसने 10 महीने का रेंट पे करा है तो 5,000 × 10 कर दीजिएगा, 5,000 पर मंथ, जितना भी उसने रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI का मतलब ऑलमोस्ट वही है जितना भी आपका GTI है माइनस 111A, 112A, ठीक है, और फ्रॉम 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG, ठीक है, जो भी सेक्शन निकाल रहे हैं उसके अलावा बाकी के सेक्शन माइनस करने के बाद आप निकालिएगा। बट प्लीज याद रखिएगा ये डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगी जब HRA असेसी को नहीं मिलता, अगर HRA मिलता है तो ये डिडक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नॉन सैलरीड असेसी को मिल सकता है, हाँ जी मिल सकता है, नॉन सैलरीड असेसी को 80GG मिल सकता है। क्या सैलरीड असेसी को भी मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, अगर उसको HRA नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर उसको कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन मिल रहा है, कंसेशनल रेंट, तो वो HRA तो नहीं है, कंसेशनल रेंट मिल रहा है, कंसेशनल, मैंने रेंट फ्री क्यों नहीं बोला, रेंट फ्री इसलिए नहीं बोला क्योंकि वहां तो रेंट फ्री मतलब रेंट ही पे नहीं कर रहा, बट कंसेशनल रेंट में वो थोड़ा बहुत रेंट पे कर रहा होगा ना, तो अगर कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन है वो थोड़ा बहुत रेंट पे कर रहा है तो इसका मतलब उसको जो RF जो उसको परक्यूजिट वैल्यू बनेगी वो तो आप सैलरी में बनाएंगे, बट वो जितना भी रेंट पे कर रहा है, चाहे वो कम रेंट पे कर रहा है तो कोई बात नहीं, जितना भी रेंट पे कर रहा है
उसकी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 5000 पर मंथ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई या 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, प्रोवाइडेड वो जो रेंट पे कर रहा है वो उसके रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, और जिस शहर में उसका वो ये रेंट पे कर रहा है उस शहर में उसका खुद का या उसके HUF का या उसके स्पाउस का या किसी भी माइनर चाइल्ड का घर वहां पर नहीं होना चाहिए। मेजर चाइल्ड अगर हो तो चलेगा, क्योंकि मेजर चाइल्ड हो सकता है ना पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो मेजर चाइल्ड निकाल सकते हैं बाहर, अक्सर ऐसा हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली सिनेरियोज में, ठीक है, इट्स अ वेरी सैड थिंग बट स्टिल ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे, कुछ सभी नहीं बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल देते हैं, तो मेजर चाइल्ड का उसका घर हो सकता है बट माइनर चाइल्ड का, माइनर चाइल्ड को तो एक वो लगाएगा और बोलेगा अरे ये घर मेरा है ना कि तेरा, ठीक है, तो उसके केस में तो माइनर चाइल्ड का घर है, स्पाउस का घर है या वो उसके HUF का घर है तो उस शहर में तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, और उसका रेंट पे कर रहा है मतलब एक्चुअली तब ये डिडक्शन उसको मिल जाएगी। और अगर उसका किसी और शहर में घर है तो ठीक है, अगर उसका किसी और शहर में घर है वो किसी और शहर में रेंट पे कर रहा है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड वो जो दूसरा घर उसका जो दूसरे शहर में है उसको वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ना बता रहा हो, उसको वो डीम लेट आउट बता रहा हो या लेट आउट बोल रहा हो, ठीक है, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। याद आ गई आपको बात है 80GG? ओके, 80GGA नॉट सो इम्पॉर्टेंट, 80GGA होता है कि अगर असेसी पेमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है टू साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन या किसी रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन वगैरह के, जो हम लोग बातें करते थे PGBP में, आपको पता था सेक्शन 35, अगर हम आउटसाइड रिसर्च के लिए पैसा पे करते थे या फिर हमने 35CC वगैरह में वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर रूरल डेवलपमेंट के लिए पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड में अगर हम पैसा देते थे तो वहाँ पर हम डिडक्शन मिलती थी। यानी कि जो लोग PGBP की इनकम आती है, जिनकी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा देते हैं या फिर रूरल डेवलपमेंट या अर्बन इरेडिकेशन फंड के लिए पैसा देते हैं उनको तो डिडक्शन PGBP में मिल जाती है, बट बाकी असेसी लेट्स से कोई सैलरीड असेसी है वो भी तो पैसा पे कर सकता है, वो भी तो इस जगह पर डोनेशंस दे सकता है, तो उसको डिडक्शंस वहां पर सेक्शंस में मिल नहीं पाएगी 35 वगैरह में, क्योंकि उसकी PGBP इनकम नहीं आ रही है, तो उसको डिडक्शन यहां पर 80GGA में मिल जाती है। तो जितना भी वो असेसी पैसा पे करता है 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड या कॉन्ट्रीब्यूटेड उसको डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड वो PGBP वाला असेसी ना हो, क्योंकि अगर वो PGBP वाला असेसी है तो वो तो अपना एज सेक्शन 35 CCA में डिडक्शन ले सकता है, और अगर आप 2000 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर तो प्लीज कैश में मत कीजिएगा, कैश में इसको नहीं चलेगा। 80GGB GGC ये अक्सर आ जाता है, GGB और GGC ऑब्वियसली जो लोग ऑप्शनल टैक्स रिजीम ले रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम वालों को तो नहीं मिलेगा। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, कैटलॉग्स वगैरह में या फिर उनको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी। GGB की रिडक्शन मिलती है इंडियन कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को, GGC की मिलती है अदर देन, अदरवाइज दोनों ही सेक्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ GGB बना है अगर कंपनी SSC, अगर इंडियन कंपनी SSC है तो GGB में रिडक्शन लेगा, अदर देन कंपनी SSC है तो अदर देन इंडियन कंपनी है तो GGC में रिडक्शन लेंगे 100% ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड। हाँ, बट कैश में कुछ भी अलाउड नहीं है, कैश में अगर आप पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन अलाउड नहीं है सर, 2000 यहाँ पर कोई 2000 की भी लिमिट नहीं है, जितना भी आपको पेमेंट करना है अदर देन कैश करना है तभी ये डिडक्शन अलाउड होती है GGB और GGC की। ओके, नेक्स्ट डिडक्शन आती है 80JJA। 80JJA दोनों तरह के SSC ले सकते हैं, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो या ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, दोनों तरह के SSC 80JJA की डिडक्शन ले पाते हैं। ये डिडक्शन मिलती है ऐसे SSC को जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है, 44AB आप जानते हैं ऑडिट का, टैक्स ऑडिट का सेक्शन होता है, तो जिन लोगों के अकाउंट्स ऑडिट होने की रिक्वायरमेंट होती है कि जिनका ऑडिट होना जरूरी है, सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को उसी तरह के SSC को डिडक्शन मिलती है, सभी SSC को नहीं मिलती, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसने ऐसे SSC ने अपने बिजनेस में, ऑब्वियसली वो बिजनेस कर रहा होगा तभी उसके अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है, अगर वो अपने बिजनेस में नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करता है, जिससे एम्प्लॉय का हेड काउंट बढ़ जाता है, हेड काउंट मतलब जो लास्ट ईयर एम्प्लॉयज थे उसके मुकाबले अगर हम एम्प्लॉयज देखते हैं तो उसके एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज जो रिक्रूट कर रहा है, एडिशनल एम्प्लॉयज जो रिक्रूट कर रहे हैं, उनको जो भी वो सैलरी पे करता है, उनको जो सैलरी वगैरह पे करता है वो तो डिडक्शन उसकी एज अ बिजनेस एक्सपेंस मिल जाएगी, हम उसको एक एक्स्ट्रा डिडक्शन और देते हैं, जितने भी एडिशनल वर्कमैन है, एडिशनल वर्कमैन का मतलब ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हमारे पास 100 वर्कर्स थे उसमें से 10 छोड़कर चले गए तो 90 हो गए, तो बाद में हमें नेक्स्ट ईयर 10 और रिक्रूट करे, तो प्लीज बताइए क्या हमारा कोई नंबर बढ़ा? द आंसर इज नो सर, पहले भी 100 था
और अभी भी 10 छोड़कर चले गए, 10 आ गए, तो अभी कोई नंबर नहीं बढ़े। नंबर तब बढ़ेगा जब आपने एक्स्ट्रा इंप्लॉयज रिक्रूट करे हो, जब ये लास्ट ईयर के मुकाबले नंबर बढ़े। हाँ, अगर आपने 12 इंप्लॉयज रिक्रूट करे होते तो इसका मतलब पहले 100 थे, अब 10 गए और 12 आए, यानी कि 2 इंप्लॉयज एक्स्ट्रा आए। तो ये जो एडिशनल इंप्लॉयज के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं उसकी रिडक्शन मिलेगी। तो जितना भी आप इनको सैलरी वगैरह देते हैं उसका 30%, जितना सैलरी वगैरह पे करते हैं उसको, तो आपको बिजनेस में तो जब पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करोगे तब तो जितना भी आपको सैलरी वेजेस आप इनको पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन तो वहां पर मिल ही जाएगी। बट हम यहाँ पर आपको एडिशनल डिडक्शन दे रहे हैं, जितना भी आप उनको सैलरी पे कर रहे हैं 30%, उसका 30% हम आपको डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। हाँ, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि आपको ये डिडक्शन 3 साल तक मिलती है, 3 साल तक मिलती है जिस प्रीवियस ईयर में आपने ये इनको रिक्रूट करा उस साल, और उसके अगले 2 साल तक, मतलब 3 साल में इसको रिडक्शन मिलेगी। बट कंडीशंस ये हैं कि ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 रुपीस पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपीस पर मंथ से ज़्यादा है ऐसे एम्प्लॉयज़ की, तो वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि 25,000 तक या उससे कम है तभी वो लोग एलिजिबल हैं। दूसरा, एम्प्लॉयज़ ये लोग आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कैजुअल एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, इनका पीएफ अकाउंट आप खुलवाए। तीसरी चीज, कम से कम ये इंप्लॉयज आपके यहाँ पर इस साल 240 डेज काम करें, 240 डेज अगर काम करेंगे तभी हम आपको रिडक्शन देंगे। हाँ, बट 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, अपैरल, फुटवेयर और लेदर, यहाँ पर हम 150 डेज की रिक्वायरमेंट भी आप पूरी करेंगे तो भी चलेगा, बट बाकी इन तीनों के अलावा 240 डेज बाकी इंडस्ट्रीज के लिए, बट इन इंडस्ट्रीज के लिए 150 डेज अलाउड है, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंप्लॉय को, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक नया इंप्लॉय था बट हमने उसको लगभग एंड ऑफ द ईयर में रिक्रूट किया, तो फॉर एग्जाम्पल उसने 30 डेज 50 डेज 60 डेज ही काम किया था, तो इस साल तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट वो नेक्स्ट ईयर पूरे साल काम कर रहा है, लगभग 240 डेज या 150 डेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो उसके जो 3 साल शुरू होंगे फिर वो नेक्स्ट ईयर से होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस साल हमने उसको ऑलमोस्ट एंड में रिक्रूट करा था, फॉर एग्जाम्पल मार्च में या फरवरी में या जनवरी में रिक्रूट करा था उसको, और वो अपने नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता है, बट वो रेगुलर एम्प्लॉय था हमारा, कैजुअल एम्प्लॉय नहीं था, तो उस केस में फिर उसके जो नंबर ऑफ ईयर जो 3 साल था हम डिडक्शंस देंगे, फिर वो हम नेक्स्ट ईयर से काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, ऐसे इंप्लॉयज़ को सैलरी अगर 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा है वो लोग एलिजिबल नहीं है, जो आपके कैजुअल इंप्लॉयज़ हैं वो एलिजिबल नहीं है, जिनका पीएफ नहीं जाता वो एलिजिबल नहीं है, जो इतने दिन से ज़्यादा काम नहीं करते वो लोग एलिजिबल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आता है, और हाँ, ATGGAA के बारे में याद रखिएगा, दोनों स्कीम में मिल जाता है, न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएगा, डिफॉल्ट में भी मिल जाएगा, 115BAC में, और जो ऑप्ट आउट करते हैं ऑप्शनल वाले वो लोग भी इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। किस तरह के पैसे को मिलता है जब GGAA, जिन लोगों के अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है अंडर सेक्शन 44AB। नेक्स्ट सेक्शन है QQB। QQB मिलता है सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को। एक्चुअली इन लोगों ने बुक्स लिखते हैं तो इनको रॉयल्टी मिलती है बुक्स के ऊपर। तो कैसी बुक्स लिखे, ठीक है, जैसे कि फिक्शनल या नॉन फिक्शनल बुक्स लिखते हैं, जैसे चेतन भगत टाइप लोग जो होते हैं उन लोगों को रिडक्शन मिल जाएगी। बट हाँ, अगर आप NCERT की किताबें लिखते हैं, NCERT वगैरह की किताबें लिखते हैं, या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, मैगजीन्स में आपने आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं, उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। बुक्स लिखे हैं आप, ठीक है, बुक्स लिखे हैं, और टेक्स्ट बुक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, NCERT वगैरह की किताबें नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं होने चाहिए। मेनली आपको दूसरी बुक्स लिखे हैं, फिक्शन या नॉन फिक्शनल बुक्स, इस तरह की बुक्स आप लिख रहे हैं लगभग आप समझ सकते हैं, चेतन भगत या ऐसे लोग, अरुंधति राय वगैरह, इस तरह के जो लोग ऑथर्स होते हैं, इन लोगों को रिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। कितनी रिडक्शन मिलती है, जितना भी आपको इस रॉयल्टी से इनकम हो रही है, रॉयल्टी से इनकम का मतलब ये होता है जितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपके, क्योंकि इन लोगों की इनकम, अगर ये ऑथर है, प्रोफेशनल ऑथर है, तो PGBP में इनकम टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल अमेच्योर हैं, इनको एज अ हॉबी ये लिखते हैं, तो इनकम IFOS में भी हो सकती है, राइट। तो हम जो जानते हैं कि PGBP हो या IFOS हो, इनको डिडक्शन मिल जाएगी, जितना भी इन्होंने एक्सपेंसेस क्रिएट किए होंगे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो जितनी भी इनको रॉयल्टी मिलती है, जितनी भी इनको रॉयल्टी रिसीव होती है, माइनस जितने भी इनके एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस कीजिएगा, तो जो भी इनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स से, उससे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ नेट रॉयल्टी, ठीक है, नेट रॉयल्टी मतलब आफ्टर एक्सपेंसेस, तो उसको या 3 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर, आपको इतना लेना होता है, ठीक है। अगर ये देखिए लमसम, देखिए दो तरह की रॉयल्टी मिलती है, एक तो लमसम रॉयल्टी होती है, जो पब्लिशर होता है वो आपको सीधा सीधा लमसम अमाउंट दे देता है कि इसके बुक्स के राइट्स मैं ले रहा हूँ, मैं इसके जितनी भी बुक्स पब्लिश करूँ, तो लमसम रॉयल्टी मिल रही है, कोई बात नहीं, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर कुछ जो एस्टेब्लिश्ड ऑथर होते हैं, जिनका अच्छी खासी उनकी किताबें लोग जानते हैं उनको, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं सर, मुझे लमसम रॉयल्टी नहीं चाहिए, मेरी तो जितनी बुक्स आप पब्लिश करते रहेंगे, जितनी बुक्स आप बेचते रहेंगे उसके हिसाब से मुझे रॉयल्टी चाहिए, इसको कहते हैं रेगुलर रॉयल्टी।
तो यहाँ पे दोनों तरह की रॉयल्टी कवर्ड है, दोनों तरह से आपको QQB की डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे वो लमसम रॉयल्टी हो चाहे वो रेगुलर रॉयल्टी हो। ठीक है, रेगुलर मतलब समझ के जैसे जैसे आपकी बुक्स बनेंगी आप उस तरीके से रॉयल्टी आपको मिलती रहेंगी। बट अगर इनकेस रेगुलर रॉयल्टी, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप प्रॉफिट्स निकालेंगे, प्रॉफिट्स मैंने कैसे निकाला, निकालने के लिए जितना भी आपको रॉयल्टी रिसीव होती है माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, जब आप रॉयल्टी की इनकम निकालेंगे, अगर ये लमसम रॉयल्टी है तो फिर तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, फिर तो आप नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये रेगुलर रॉयल्टी है, जब आप रॉयल्टी की अपनी इनकम निकालेंगे तो जितने भी आपको रॉयल्टी रिसीव हो रही है इट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स। 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 15% से ज्यादा है तो प्लीज ये कंप्यूटेशन करते समय इस रॉयल्टी को 15% तक रखिएगा। याद आ गया 15% वाला प्रोविजन भी? ठीक है, इसको 15% तक ही रखिएगा। इन केस सच रॉयल्टी इज रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस, चाहे वो मंथली हो या ईयरली, रेगुलर का मतलब मंथली मिल रही है, ईयरली मिल रही है, मतलब रेगुलर ऑन द बुक्स, जितने भी आप बुक्स पब्लिश करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलती है, देन इनकम शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स। तो नेट इनकम निकालें 15% नहीं, जितना रॉयल्टी मिली है वो जो मिली है उसका 15% लेना है मैक्सिमम। 15% या उससे कम है फिर तो ठीक है, 15% ज्यादा तो 15% तक ही लेना है, उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस कीजिएगा, नेट इनकम निकाल दीजिएगा। ठीक है, लमसम रॉयल्टी में ये 15% वाली बातें नहीं आएंगी, ये बातें सिर्फ सिर्फ रेगुलर रॉयल्टी के केस में आती हैं। ठीक है, और अगर ये इनकम आपकी हो सकता है कि आप किसको मिलेगी, रेसिडेंट ऑथर को। अब रेसिडेंट ऑथर है फॉर एग्जांपल, वो इंडिया में रहता है, रेसिडेंट है, ठीक है, अपने वो 182 डेज की कंडीशन, 60 डेज वगैरह की कंडीशन फुलफिल करता है, रेसिडेंट है, बट उसकी बुक्स जो पब्लिश होती है वो इंडिया में भी होती है और आउटसाइड इंडिया में भी होती है, तो उसको आउटसाइड इंडिया से भी रॉयल्टी मिलती है। तो अगर आउटसाइड इंडिया से भी रॉयल्टी मिलती है तो वो डिडक्शन ले सकता है क्या? आंसर इज येस, वो डिडक्शन ले सकता है, बट हम सिर्फ उस केस में सिर्फ वही रॉयल्टी कंसिडर करेंगे जो आपको विद इन 6 months मिल जाती है। तो अगर वो रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया से है तो जो भी आपको रॉयल्टी मिलती है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, हम सिर्फ उसी को कंसिडर करते हैं, प्रोवाइडेड दूसरी चीज वो फॉरन करेंसी में आ रही हो आपकी। इट शुड बी रिसीव, दो कंडीशन हो गई आपकी, एक तो वो फॉरन करेंसी में आ रही हो, दूसरा विद इन 6 months आ रही हो। आगे ये भी याद, जैसे मैंने बोला टेक्स्ट बुक, न्यूज पेपर, ब्रोशर वगैरह में आपने लिखा हो तो ये रॉयल्टी हम 80QQB में कवर नहीं करते। इसी से बिल्कुल सिमिलर सेक्शन होते हैं RRB। RRB में और QQB में सिर्फ दो डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले तो ये बुक्स के लिए मिलता है QQB, RRB होता है कि अदर देन बुक्स, आपके पास कोई दूसरा कोई कॉपीराइट है उसका आपको रॉयल्टी मिलती है, पेटेंट वगैरह आपने करा रखा है उस चीज की रॉयल्टी मिलती है, तो वो RRB में कवर्ड होगा। और दूसरा डिफरेंस ये है, यहाँ पर वो 15% वाली जैसी भी बातें नहीं करते, वो 15% वाली बातें सिर्फ QQB में होती है, RRB में ऐसी डिडक्शन नहीं होती है। तो रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स अदर देन बुक्स जो आपको मिलती है, तो सेम कंसेप्ट रहेगा, कितना जितना भी आपको रॉयल्टी मिल रही है पेटेंट से और 3 lakh rupees विच एवर इज लोअर, राइट, और वो रेगुलर और लमसम वाली बातें यहाँ पर होती नहीं है, 15% वाली बातें नहीं होती हैं। अगर आपको ये रॉयल्टी, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉपीराइट है इंडिया के बाहर से आपको रॉयल्टी आ रही है, वो भी अलाउड है, पर विद इन 6 months आनी चाहिए, विद इन 6 months आनी चाहिए, दैट टू इन फॉरन करेंसी, हम तभी उसको लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, 80TTA और TTB, बहुत छोटे छोटे सेक्शन है बट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 80TTA मिलता है इंडिविजुअल या HUF को, ठीक है, सीनियर सिटीजन अगर वो होगा तो उसके लिए 80TTB एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो ऐसा नहीं है कि हम TTA और TTB दोनों ले सकते हैं, नहीं, अगर असेसी एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, अगर वो रेसिडेंट, देखो जब भी सीनियर सिटीजन की बातें होती हैं आपको पता है पूरे इनकम टैक्स में रेसिडेंट जरूर आ जाता है, तो अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो हम उसको बोलेंगे बॉस आप TTB में जाइए। क्यों? अरे भाई वहाँ पे ज़्यादा डिडक्शन है, तो आप ऐसे नहीं कि TTA भी ले लीजिए, TTB भी ले लीजिए, एनी ऑफ वन मिलेगा। तो अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन तो ऑब्वियसली उसको TTB मिलेगा, बट अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो नॉन रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट तो है बट 59 ईयर्स या उससे कम है, तो TTA मिलेगा, राइट। तो TTA में क्या होता है, डिडक्शन थोड़ी कम है, TTB में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा स्कोप है। TTA में जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है वो 10,000 rupees की मिलती है, TTA में 10,000 rupees की मिलती है, जो लोग अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन उनको 10,000 की है। और यहाँ पर जो डिडक्शन मिलती है वो सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पर मिलती है, FD वगैरह कराई तो डिडक्शन नहीं मिलती। TTA में सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट किसी बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ या पोस्ट ऑफिस के साथ आपने ओपन करा रखा है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी IFOS की इनकम बनती है, करेक्ट। बट TTA में आप क्या करिएगा, जितना भी इंटरेस्ट आया है और 10,000 rupees विच एवर इज लोअर, ठीक है। बट अगर असेसी एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 ईयर्स और मोर है, तो उस केस में वो रेसिडेंट अगर सीनियर सिटीजन है तो ये डिडक्शन 10,000 से बढ़ाकर हम 50,000 कर देते हैं, और दूसरा फैसिलिटी इनको ये देते हैं,
क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट से भी आ रहा होगा। अब ये देखो ये सीनियर सिटीजन है, मेनली रिटायर्ड लोग होते हैं, तो ये एफडी वगैरह करा देते हैं, तो इन्होंने अगर कोई डिपॉजिट भी कराया, जैसे एफडी वगैरह भी कराया, तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पर अलाउड होता है। टीटीए में सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, बट टीटीबी में आपका इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट हो सकता है, चाहे वो सेविंग भी हो तो भी चलेगा, एफडीज वगैरह हो तो भी चलेगी। और यहाँ पर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाती है मैक्सिमम अमाउंट, वहां पर सिर्फ 10,000 था, यहाँ पर 50,000। ठीक है, तो ये हमारे मेनली सेक्शंस हुए 80C से लेकर 80U। 80U हमने पहले से कर लिया था, जो एसएससी खुद डिसेबल है, फ्लैट डिडक्शन 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी केस में 1,25,000। तो दीज आर द डिडक्शंस। अब एक हम एक और सेक्शन कर लेते हैं, सेक्शन 10AA। ठीक है, ये भी हमारे डिडक्शंस में दिया होता है, तो इसको भी कवर कीजिए, क्योंकि ये भी 10AA तो एसएससी का फेवरेट, सॉरी एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन होता है, तो अक्सर इसके बारे में 10AA के बारे में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, बहुत आसान, और इसका जब क्वेश्चन आ जाता है वो भी 5 से 6 नंबर का आ जाता है, तो ये बहुत आसान होता है। स्टूडेंट्स अक्सर छोड़ देते हैं सेक्शन को, पर पता नहीं क्यों स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बट यार ये बहुत इजी सेक्शन होता है 10AA, तो आप अच्छे से कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर एसएससी ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तभी उसको ये 10AA की डिडक्शन मिलती है, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम यानी कि 115BAC ऑप्ट कर रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है, तो 10AA नहीं मिलता है। ठीक है, ये मिलता है अगर SEZ यूनिट्स को, अगर हमारा SEZ में, अगर हमारी SEZ में हमारी यूनिट है, हमारी फैक्ट्री है, या हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारा SEZ से प्रॉफिट्स आते हैं, तो हमें डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, शुरू के फर्स्ट ईयर तक में, शुरू के फर्स्ट 5 ईयर्स में हम लोगों को जितने भी हमारे प्रॉफिट्स आते हैं उसकी 100% डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में यानी कि ईयर 6 से लेकर ईयर 10 तक, ईयर 6 होना चाहिए, ईयर 6 टू ईयर 10 में, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर्स जो जितने भी हमारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं SEZ से, उसका 50% मिलेगा, आधा मिलेगा। और नेक्स्ट 5 ईयर्स मतलब 11 से लेकर 15 ईयर्स में, यहां पर हम देखते हैं जितना भी हमारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसका 50% और द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द SEZ रिजर्व विच एवर इज लोअर। तो यहां पर एक और बात इंक्लूड हो जाती है, जनरली जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो फर्स्ट 5 ईयर्स के होंगे या फिर वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के होंगे। ये वाला कभी भी मैंने देखा नहीं एग्जाम में एग्जामिनर को पूछते हुए, बट अगर फिर भी पूछ ले तो 50% ऑफ द प्रॉफिट्स और अमाउंट ट्रांसफर टू SEZ रिजर्व विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब इसमें देखेगा, सबसे पहले अगर हमारी कोई SEZ यूनिट है जो हमने कब तक स्टार्ट की थी, जो हमने इफ द बिजनेस इज कमेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर 2006-07 से 6-7, अगर 6-7 से अब वाले ईयर देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 15th ईयर चल रहा होगा, तो वो तो नहीं मिलेगी रिडक्शन। बट हाँ, मतलब अगर हमारे पास अगर 15 ईयर से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं उसको, तो अगर आप काउंट करेंगे तो अभी 2016 शायद हो चुके होंगे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, 15 अगर इसमें ऐड करता हूँ मैं तो 21 आ रहा है, हाँ हो चुके होंगे। तो बट इन्होंने कहा, इन्होंने एक बहुत लंबा पीरियड दिया है, इन्होंने दिया है कि आपने असेसमेंट ईयर 6-7 से लेकर अगर असेसमेंट ईयर 2021 तक, असेसमेंट ईयर 2021 के बीच में अगर आपने SEZ का बिजनेस शुरू किया था, तो हो सकता है ना जिन लोगों ने यहाँ पर बिजनेस शुरू कराए हो। अब देखो असेसमेंट ईयर 2021 मतलब प्रीवियस ईयर 1920, इसका मतलब 31 मार्च 2020 तक भी जिन लोगों के बिजनेस शुरू हुए हैं SEZ में, वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, वो लोग एलिजिबल, उसके बाद वाले लोग एलिजिबल नहीं है। अब ये सेक्शन इसलिए आया है क्योंकि जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल इस ईयर में बिजनेस शुरू करा होगा अभी तक, तो उनको 15 साल तक डिडक्शन मिलेगी ना, 15 साल तक वो अपना टैक्स हॉलीडे एंजॉय करेंगे, तो वो भी हमारे ईयर में एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर प्लीज एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों की SEZ यूनिट शुरू हुई है अप टू 31 मार्च 2020, और यहाँ पर एक छोटा सा ग्रेस भी दे दिया गया, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अपना SEZ यूनिट इस डेट तक शुरू नहीं कर पाए थे, कमेंस नहीं कर पाए थे, बट उनको अप्रूवल मिल गया था SEZ एक्ट से। ठीक है, अगर SEZ अथॉरिटी से आपको अप्रूवल मिल गया था बट फिर भी आप अपनी यूनिट को शुरू नहीं कर पाए थे, अगर आपने इसको शुरू कर दिया विद इन 1 ईयर तक भी, तो भी हम अलाउ कर देंगे। यानी कि यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दे दी गई इनको कि SEZ को अगर SEZ से अप्रूवल मिल गया ना इस डेट तक, तो हम उसको 1 साल की रिलैक्सेशन और दे रहे हैं, अगर उसने अपनी यूनिट कमेंस की है 31 मार्च 2021 तक भी, तो भी अलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल केस में क्या याद रखेंगे, अप टू 31 मार्च 2020, बट हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे SEZ हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन केसेज हैं, जिनको अप्रूवल तो इस दिन तक मिल गया था, बट वो उस दिन तक उनको अप्रूवल मिल गया था,
बट कमेंट्स नहीं कर पाए थे तो उनको एक साल हम और दे रहे हैं कमेंट्स करने के लिए, तो उन लोगों को मिल जाएगा। बट हाँ, न्यू टैक्स रिजीम के लिए ये 10AA एप्लीकेबल नहीं होता। कितनी रिडक्शन मिल जाती है? फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ देयर ऑपरेशंस 100%, नेक्स्ट 5 ईयर्स 50%, नेक्स्ट 5 ईयर्स 50% और अमाउंट ट्रांसफर टू एसईजेड रिजर्व व्हिच एवर इज लोअर। ठीक है, अब एसईजेड रिजर्व का क्या करना होता है? दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट मैं आपको बता दूं, एसईजेड रिजर्व से मेनली इनको प्लांट एंड मशीनरी ही एक्वायर करनी पड़ती है जो आप अपने एसईजेड में ही यूज करेंगे। ओके, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट इतना है कि हम जो कह रहे हैं 100% ऑफ प्रॉफिट, 50% ऑफ द प्रॉफिट, ये कौन से प्रॉफिट्स लेने हैं? जो आपके एसईजेड यूनिट से आ रहे हैं प्रॉफिट्स, वो लेने हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की वजह से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं। क्योंकि एसईजेड यूनिट्स, अब सर आप बोल सकते हैं सर एसईजेड यूनिट्स तो मेनली एक्सपोर्ट ही करती हैं, तो उनके तो 100% प्रॉफिट्स एक्सपोर्ट से आते होंगे। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर आप सोचें, फॉर एग्जांपल एक एसईजेड यूनिट है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, फैक्ट्री है उसकी, तो जो भी उनका प्रोडक्शन है, जो भी उनका प्रोडक्शन है, वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। बट उसका कोई बाय प्रोडक्ट वगैरह भी निकल सकता है, या फिर कोई ऐसा वेस्ट भी निकल सकता है जो एक्चुअली वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो कहाँ पर सप्लाई कर देते हैं? वो विद इन इंडिया भी कर देते हैं। यानी कि जो एसईजेड के जो प्रॉफिट्स होते हैं, तो हो सकता है कि उनके कुछ प्रॉफिट्स वैसी भी जगह से आ रहे हों जो उनका बाय प्रोडक्ट्स वगैरह वेस्ट वगैरह बेच कर आ रहे होंगे, उसके प्रॉफिट्स की हम डिडक्शन नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे एसईजेड यूनिट ने प्रॉफिट अर्न की है, जो एसईजेड यूनिट ने प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉफिट है, हम सिर्फ उसी की रिडक्शन दे देंगे। तो हम कैसे निकालते हैं इसको? हमें टोटल टर्नओवर दिया होता है एसईजेड यूनिट का, एसईजेड यूनिट का टोटल टर्नओवर दिया होता है, उसमें से हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट का टर्नओवर कितना है, तो उसी प्रोपोर्शन में से हमें प्रॉफिट्स लेने होते हैं। तो प्रॉफिट्स पूरे के पूरे जो जितना भी एसईजेड यूनिट के हो रहे हैं, उसको प्लीज प्रोपोर्शन कीजिएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ एसईजेड अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ एसईजेड। ठीक है, और ये फर्स्ट 5 ईयर्स है तो इसका 100% ले लेंगे आप, नेक्स्ट 5 ईयर्स है तो इसका फिर 50% ले लेंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट्स निकालने होते हैं। और टर्नओवर में प्लीज फ्रेट, टेलीकॉम चार्जेस या इंश्योरेंस वगैरह ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूज करे वो आपको, इस टर्नओवर में फ्रेट, टेलीकॉम चार्जेस या इंश्योरेंस वगैरह भी इंक्लूडेड है, प्लीज उसको वहां से माइनस करने के बाद जो आपका नेट टर्नओवर होता है, सिर्फ उसी को देखिएगा। ठीक है, और ये आपकी जो प्रोसीड्स हैं विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर आ जानी चाहिए इन फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, पर अगर आरबीआई ने आपको कुछ ज़्यादा एक्सटेंशन दे दी तो अलाउड होता है, बट विद इन 6 years फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड तक ये आ जानी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, अगर आपको 10AA की डिडक्शन चाहिए। और आपको पता है जब कभी भी इस तरह की सर्टिफिकेट रिपोर्ट वगैरह जाती है, तो जो हमारी ड्यू डेट होती है उससे 1 महीने पहले तक हमें ये सबमिट कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रख लीजिएगा। स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जितने भी आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं एसईजेड पर देख लीजिएगा, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट होने चाहिए वो। तो जितना भी एसईजेड का टर्नओवर है उसको प्लीज प्रोपोर्शन में ले लीजिएगा जितना एक्सपोर्ट का टर्नओवर, उसके प्रोपोर्शन में फर्स्ट 5 ईयर्स तक 100% इसका कर लीजिएगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक 50%, उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक 50%, और अमाउंट जितना एसईजेड रिजर्व को ट्रांसफर हुआ वो आपके क्वेश्चन में गिवन। ओके, सो दिस वॉज अबाउट आर चैप्टर ऑफ डिडक्शंस। तो हमने ऑलमोस्ट इसको 1 hour 40-45 minutes में कंप्लीट कर लिया डिडक्शन के चैप्टर को। ठीक है, सो दिस लेक्चर वॉज फॉर रिविजन पर्पज। आई बिलीव आपके काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो गई होंगी जो आपने 80C से लेकर 80U तक पढ़ी हैं। ठीक है, प्लस सेक्शन 10AA। दूसरी बात याद रखिएगा कि हम न्यू टैक्स रिजीम अगर फॉलो कर रहे हैं SSC, तो हम उसको सिर्फ कौन कौन सी डिडक्शन, 3 deductions है, CC D2, CC H2 और JAA, सिर्फ वही 3 deductions दे सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारी डिडक्शन ऑप्शनल टैक्स रिजीम वालों के लोगों के लिए ही है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब हम TDS और फिर TCS और एडवांस टैक्स की बातें करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए इसके। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन, या फिर कम से कम अगर आपके पास कम समय है तो एटलीस्ट अपनी स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशंस और उसके जो बैक साइड में क्वेश्चंस हैं उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उनको ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा और टाइम है तो पास्ट ईयर के पेपर्स या फिर RTPs इस बार की ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, पूरी करी है, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट और कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाउ यू आर फाइंडिंग दीज लेक्चर्स, आर दे हेल्पफुल टू यू, या फिर जैसा भी आपका कमेंट है प्लीज़ इसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं मुझे पता नहीं चलता है कि हाउ यू आर फाइंडिंग योर लेक्चर्स। आपके कमेंट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे कि जिससे कि मैं रोज़ सुबह उठ के आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे एक्चुअली क्या होता है कि
रीच बढ़ती है, क्योंकि अभी हमारी जो क्लासेस है ना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं पा रही है, उनकी सर्च में नहीं आ रही है, क्योंकि जनरली मैं ये पेड नहीं रखता हूँ, ठीक है, मैं इसको मोनेटाइज नहीं करता, जैसे कि एड्स वगैरह ना आए आपके पास, आप डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए क्या होता है इसकी रीच ज़्यादा नहीं आ पाती है। तो प्लीज़ रीच वो तभी हो पाएगी जब आप इसको लाइक या शेयर करेंगे, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।